हमारे पूरे मध्य प्रदेश की जो टीम है भारत स्वाभिमान की, पतंजलि योग पीठ की, उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम यहाँ पर हो सका। मंच पर हमारे राजगढ़ के भारत स्वाभिमान के संरक्षक श्री वी के गुप्ता जी हैं, उनका भी आभारी हूँ कि उनका काफ़ी सहयोग मुझे पिछले दो दिन से मिल रहा है। प्रणपाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी सक्रिय मेहनत परिश्रम से मैं कई जगह जा पा रहा हूँ। आपसे कुछ देश की समस्याओं के बारे में बात करने आया हूँ। अपने भारत देश में आज़ादी के पिछले 62-63 साल के बाद भी कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जो समाधान अगर हमने नहीं की तो हमारे देश की अस्मिता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इतनी गंभीर समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान सारा देश मिलकर करे, नागरिक इस देश के समस्याओं के लिए प्रयास करें, इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान शुरू किया है। ये नागरिकों के प्रयास से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, सरकारें नहीं कर सकती, क्योंकि सरकारों ने समस्याएं पैदा की हैं, समाधान उनके पास नहीं है। अगर होता तो मैं आपके पास नहीं आता, मैं दिल्ली चला जाता, सरकार के साथ बात करता, लेकिन सरकारों के पास भी समाधान नहीं है, इसलिए आपके पास आया। आप बोलेंगे क्या समस्याएं हैं? भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है कुछ गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए। उनमें से एक है, हमारे देश की आज़ादी के 62 साल के बाद भी हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो तंत्र है, ये अंग्रेजों के ज़माने में जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है। अंग्रेजों ने भारत की गुलामी के लिए जितने कानून बनाए थे वो सारे कानून अभी भी इस देश में चल रहे हैं। उन कानूनों को ख़त्म हो जाना चाहिए था, समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो कानून चल रहे हैं और वो एक दो नहीं हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। अंग्रेजों ने हमारे देश में राज्य चलाने के लिए और लूट करने के लिए, मूल रूप से भारत का धन इंग्लैंड ले जाने के लिए 34,735 कानून बनाए थे 1757 से लेकर 1947 के बीच में। आप सभी ने थोड़ा भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम है कि सन 1757 में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। उसके पहले अंग्रेज यहाँ व्यापारी बन के काम करते थे। 1757 में भारत का एक बड़ा राज्य था जिसका नाम था बंगाल, उस पर अंग्रेजों की सरकार बन गई थी और अंग्रेजों का पहला अधिकारी इस देश में गवर्नर बन के आ गया था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 से शुरू होकर 23 जून 1757 से अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, शासन नहीं करती थी। तो जब उनका शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने कानून बनाने शुरू किए और वो कानून बनाते बनाते उन्होंने 1947 तक 34,735 बना दिए। मैं नाम लेके बताता हूँ। अंग्रेजों ने हमारे देश में एक कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, एक कानून बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एक कानून बनाया इनकम टैक्स एक्ट, फिर एक कानून बनाया सेंट्रल एक्साइज एक्ट, फिर एक कानून बनाया आईपीसी इंडियन पीनल कोड, फिर बना दिया सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर बना दिया सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। ऐसे 34,735 कानून बनाए और इन कानूनों को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था, भारत को गुलाम बना के रखना और यहाँ से लूट लूट कर धन को इंग्लैंड लेकर जाना, ये एक ही उद्देश्य था।
भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए उन्होंने पुलिस बनाई, और उस पुलिस का उद्देश्य ये था कि भारतवासियों पर अत्याचार करें, क्योंकि जिनको गुलाम बनाया जाता है ना, उनके ऊपर अत्याचार करने पड़ते हैं, नहीं तो उनमें डर और दहशत पैदा नहीं होती। और जब तक किसी में डर और दहशत नहीं होगी, वो कोई किसी का गुलाम ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने पुलिस बनाई भारतवासियों पर अत्याचार करने के लिए, और उसका कानून बना दिया, और पुलिस की व्यवस्था ऐसी की कि जो भी पुलिस वाला है वो किसी भी भारतवासी को जब चाहे डंडे से पीटे, जब चाहे उसकी बेइज्जती कर दे, जब चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, जब चाहे उसको थाने में बंद कर दे, जब चाहे उसके खिलाफ वारंट इशू करा दे। ये सारे काम उन्होंने पुलिस के माध्यम से किए। एक उन्होंने कानून में व्यवस्था की कि अंग्रेजों का जो अधिकारी है पुलिस का, उसको राइट टू ऑफेंस होगा, माने वो पीटेगा किसी भी भारतवासी को, ये उसका अधिकार है। लेकिन भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं होगा, माने अगर हम पुलिस का डंडा पकड़ने की कोशिश करें तो वो अधिकार हमें नहीं है। इस आधार पर ये कानून बना, और इस कानून ने इतने अत्याचार किए कि हिंदुस्तान के हजारों क्रांतिकारी इस कानून के अत्याचार से मारे गए। मैं आपको नाम लेके बताता हूं। एक हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे लाला लाजपत राय। इस पुलिस कानून के आधार पर लाला लाजपत राय के सिर में लाठियां मारी गई थी लाहौर में, और इतनी लाठियां मारी थी उनके सिर में कि सिर फट गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद हमारे देश के एक क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह ने, जिस अधिकारी ने ये किया था उसका नाम था सैंडर्स, उसके खिलाफ एक मुकदमा किया था। उस मुकदमे में सैंडर्स जीत गया, हमारे क्रांतिकारी हार गए। सैंडर्स ने लाला जी को लाठी मारी, सिर फट गया, मर गए लाला जी, स्वर्गवासी हो गए। अपराध सैंडर्स ने किया, लेकिन मुकदमे में सैंडर्स जीत गया। कैसे जीत गया? जब अदालत में केस हुआ तो सैंडर्स ने कहा कि लाला जी को लाठियों से मैंने मारा, ये मेरा ड्यूटी था, मेरा कर्तव्य था। अब उसमें लाला जी मर गए तो मैं क्या करूं? तो भारत के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि सैंडर्स को कोई सजा मिले। अदालत ने छोड़ दिया। अदालत ने ये कहा कि इस सैंडर्स को कोई सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो पुलिस का कानून है, इंडियन पुलिस एक्ट, उसमें पुलिस अधिकारी को मारने के पीटने के सारे अधिकार हैं, और पिटने वाले को कोई अधिकार नहीं। इस आधार पर सैंडर्स छूट गया। तो जब सैंडर्स छूट गया तो भगत सिंह को गुस्सा आया, और गुस्से में उन्होंने एक संकल्प कर लिया कि भारत की अंग्रेज सरकार से तो न्याय मिला नहीं, अब हम अपने हाथों से अपना न्याय खुद करेंगे। तो एक दिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ठाकुर रोशन सिंह, ये क्रांतिकारियों का एक समूह हुआ करता था, उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हम सैंडर्स को मारेंगे अब, और उन्होंने एक दिन मार दिया। आपने वो कहानी पढ़ी होगी, भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी, तीन गोलियां मारी थी, हालांकि एक गोली से ही मर गया था वो, दो गोली और मारी थी क्योंकि गुस्सा था भगत सिंह के मन में। सैंडर्स मर गया, उसके बाद भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, क्योंकि सैंडर्स को मारने के अपराध में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, लेकिन लाला लाजपत राय को मारने के अपराध में सैंडर्स को कोई सजा नहीं हुई। ये बात ध्यान रखने की है। पहला अपराध सैंडर्स ने किया, बेकसूर लाला जी को लाठियों से मार डाला, उसको फांसी नहीं हुई, लेकिन उस सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा तो भगत सिंह को फांसी हुई। क्यों? कानून जो था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, इंडियन पुलिस एक्ट, और उसमें अंग्रेजों के लिए सुविधा थी, भारतवासियों के लिए नहीं। तो भगत सिंह के मन में गुस्सा था ये कि अगर कानून ऐसा है
जिसमें अंग्रेज पुलिस अधिकारी को सारे अधिकार हैं और भारतवासी को कोई अधिकार नहीं, तो ऐसे कानून को तो खत्म होना चाहिए था, जला दिया जाना चाहिए था। और भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ते हुए ये कहा था कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे अफसोस नहीं है, अगर मेरे मरने के बाद भारतवासियों ने वही कानून को लागू रखा जिसके चलते लालाजी की मृत्यु हुई है तो मेरी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचेगा। मतलब शहीद आजम भगत सिंह ने जिस कानून के चलते फांसी पाई, लाला लाजपत राय को जिस कानून के चलते सिर में लाठियां मारी गईं, ब्रेन हेमरेज हुआ, वो कानून 15 अगस्त 1947 को जला दिया जाना चाहिए था जिस दिन हम आज़ाद हुए। लेकिन आज़ादी के 62 साल के बाद भी वो कानून चल रहा है और इस देश के लोगों पर वैसा ही अत्याचार कर रहा है। आज भी पुलिस व्यवस्था है और वही कानून है, इंडियन पुलिस एक्ट 1860 का। अब क्या होता है, पहले पुलिस गोरे अंग्रेजों के आदेश पर भारतवासियों की मारपिटाई करती थी, अब हमारे देश की पुलिस काले अंग्रेजों के आदेश पर भारतवासियों की मारपिटाई करती है। मारपिटाई वैसे ही होती है, लाठीचार जैसे ही होता है। कभी कभी आप समाचार पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, आपको ये समाचार अक्सर सुनने को मिलते हैं कि पुलिस ने इस जुलूस पर लाठी चार्ज किया, इतने लोगों के सिर फट गए, इतने लोग घायल हो गए। और कभी कभी तो लाठी चार्ज से भी एक कदम आगे बढ़ के पुलिस गोली बार करती है और लोगों को मार डालती है इस देश में। मुझे तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए, अभी थोड़े दिन पहले मैंने मेरी आंखों से एक समाचार देखा था टेलीविजन पे। हमारे देश में अंधे लोगों का एक संगठन है राष्ट्रीय स्तर का, वो संगठन ने अपनी मांगों के लिए दिल्ली में एक प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर। मांग क्या थी उनकी, अंधे लोग दिखाई नहीं देता तो उनके साथ हमेशा किसी एक आदमी को रहना पड़ता है जो देख सकता है, तो उसको बस में, ट्रेन में, टिकट में छूट मिलनी चाहिए और हो सके तो मुफ्त यात्रा उसको होनी चाहिए, क्योंकि वो देखने वाला आदमी अपने लिए यात्रा नहीं कर रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है जो दूसरा देख नहीं पाता है। इस मांग के लिए उन्होंने जंतर मंतर पर दिल्ली में एक प्रदर्शन किया था। पुलिस ने उन अंधे लोगों को भयंकर लाठियों से पीटा था, सिर फाड़ दिए उनके, और अंधे लोग भाग नहीं सकते क्योंकि दिखाई नहीं देता उनको, तो वो बेचारे, मैं देख रहा था टीवी पे, ऐसे ऐसे हाथ टटोल रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और पुलिस लाठियों से मार रही है। उस दिन मैंने अपने आप से पूछा कि जिस तरह लाला लाजपत राय को पुलिस लाठियों से मारती थी, वैसे तो आजादी के बाद भी मार रही है, तो क्या आजादी आ गई है, क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि कोई आजादी आ गई। अंतर इतना ही है कि पहले पुलिस मारती थी गोरे अंग्रेजों के आदेश पर, अब मारती है काले अंग्रेजों के आदेश। कानून वही है, व्यवस्था वही है। आपको थोड़े दिन पहले का एक समाचार और सुनाता हूं। हमारे भारत देश में विकलांग लोगों का एक संगठन है जिनके पांव खराब है, वो साइकिल से चलते हैं, वो ट्राई साइकिल होती है ना, तीन पहिए वाली, उसको चला के चलते। एक बार उन्होंने कोई कार्यक्रम किया, उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उनको भी नहीं छोड़ा। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में किसानों ने एक कार्यक्रम किया था। राजस्थान में एक सरकार ने नियम बनाया, नीति बनाई कि गांव-गांव में शराब के अड्डे खोले जाए, गांव-गांव में, हर गांव में शराब मिले। अभी सब गांवों में शराब नहीं मिलती, कुछ गांवों में शराब के ठेके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने फैसला किया हर गांव में शराब के ठेके हों, तो किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों ने ये कहा कि हमको शराब नहीं चाहिए, हमको पीने का पानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है।
और किसानों ने कहा हमारे खेत को भी पानी चाहिए, तो हमें पानी दो, हमारे खेत को पानी दो। सरकार कहती है नहीं शराब लो, पानी नहीं मिलेगा, तुम शराब पियो। तो किसानों ने उसके विरोध में एक प्रदर्शन किया और राजस्थान पुलिस ने इतनी गोलियां चलाई कि 17 किसान उसमें मारे गए। उस दिन मैंने फिर सोचा अपने मन में कि क्या देश आजाद हो गया। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस गोलियां चलाती थी और लाखों क्रांतिकारियों को मार रहा था, आज भी वही हो रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि देश में आजादी जो आई है वो अधूरी है। काले अंग्रेजों के हाथ में इस देश की सत्ता है, गोरे अंग्रेज चले गए हैं। नीतियां एक ही हैं, नियम एक ही है, कानून एक ही है। जब तक ये कानून नहीं बदले जाएंगे, भारत के लोगों पर अत्याचार बंद नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया, भारत स्वाभिमान। और वो अभियान ये है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए ये 34,735 कानून जला देने चाहिए, ख़त्म कर देने चाहिए। इनकी आज़ादी के बाद हमें ज़रूरत नहीं है। और एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक अंग्रेज आया था इस देश में, उसका नाम था डलहौजी। उसने एक कानून बनाया इस देश में, उस कानून का नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून। अब जमीन को वो छीनने का कानून था। अधिग्रहण तो अच्छा शब्द है, छीनना सही शब्द है। अधिग्रहण में तो ये होता है कि मेरी इच्छा से मैं मेरी जमीन आपको देता हूं, तो ये आप अधिग्रहण कर लो। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती आप मेरी जमीन ले लो, वो तो छीनना होता है, लूटना होता है। तो जमीन को लूटने का, जमीन को छीनने का एक कानून बनाया अंग्रेजों ने, उसका नाम रख दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट। इस कानून के आधार पर डलहौजी ने भारत के 10 करोड़ किसानों से जमीनें छीन ली। डलहौजी क्या करता था, गांव गांव जाता था और किसानों की सभा बुलाता था और किसानों से ये कहता था कि तुम्हारे खेत की जमीन तुम्हारी है, इसको सिद्ध करो, कुछ कागज दिखाओ कि ये जमीन तुम्हारी। किसान कहते थे हमारे पास कागज नहीं, क्योंकि भारत में जमीन का हस्तांतरण कागज के आधार पर नहीं होता। मेरे पिताजी ने जमीन मेरे नाम कर दी, मैंने मेरे बेटे के नाम, उसने अपने बेटे के नाम, इस तरह से जमीन का हस्तांतरण होता है, कागज नहीं चलता। तो किसान कहते थे कागज नहीं है हमारे पास, लेकिन हजारों साल से ये जमीन हम जोत रहे हैं, ये हमारी है, हमारे पुरखों की है। डलहौजी कहता था मैं नहीं मानता, तो वो जमीन छीन लेता था। एक एक दिन में 25,000 किसानों से जमीनें छीनी जाती थी, पूरे देश में ये चलता था। और जमीनें छीनकर इस देश के 10 करोड़ किसानों को अंग्रेजों ने भूमिहीन बना दिया, लैंडलेस बना दिया। अब मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो क्या होना चाहिए था? वो 10 करोड़ किसानों की जमीनें वापस उनको मिलनी चाहिए थी जो अंग्रेजों ने छीनी थी। लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी किसी किसान को उसकी जमीन वापस नहीं मिली, वो आज भी भूमिहीन किसान है। अब उससे भी ज्यादा एक खराब बात क्या हुई कि जिस कानून के आधार पर डलहौजी ने जमीनें छीनी, अब वही कानून के आधार पर हमारी सरकार आज किसानों से जमीनें छीन रही है। लाखों हेक्टेयर जमीन हमारी छीन रही है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, बंगाल में एक थोड़े दिन पहले घटना घटित हुई नंदीग्राम में, वहां किसानों से जबरदस्ती जमीन छीनी गई। किसान देने को तैयार नहीं थे क्योंकि वहां अच्छी फसल होती है, उस जमीन पर चावल होता है और एक साल में 3 से 4 फसल लगती हैं। ऐसी जमीन को किसान बेचने को तैयार नहीं थे, लेकिन सरकार ने पुलिस की मदद से लाठी चार्ज करके, गोली चला कर जबरदस्ती वो जमीन किसानों से छीनी। और ये उस सरकार ने छीनी
जो अपने को गरीबों की सरकार कहती है, सर्वहारा की सरकार कहती है, कम्युनिस्ट सरकार है जो। थोड़े दिन बाद और एक कहानी पता चली, नंदीग्राम के पास एक गांव है सिंगूर, वहां भी जमीन छीनी गई किसानों से। और मैं सारे देश में प्रवास करता हूं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सन 1991 के बाद हमारी सरकार ने एक नीति बनाई है जिसका नाम है वैश्वीकरण, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। इस नीति के तहत 50,000 से ज़्यादा गाँव के किसानों से ज़मीनें छीनी गई हैं और सरकार ने वो ज़मीनें विदेशी कंपनियों को बेच दी। किसान इन जमीनों को बचाने के लिए अदालत में जाते हैं, मुकदमा करते हैं, तो किसान हारते हैं, सरकार जीतती है। क्योंकि कानून ऐसा है जिसमें किसी भी किसान को इस बात के लिए मुकदमा करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि माना यह जाता है कि जमीन सरकार ने ले ली तो आप उसको रोक नहीं सकते। अब लाखों एकड़ जमीन हमारी अभी छीनी है सरकारों ने। आप कभी कभी अखबार पढ़ते होंगे, समाचार सुनते होंगे, सरकार की एक योजना चल रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना, उसमें हजारों एकड़ जमीनें छीन रहे हैं किसान, गांव के गांव खाली करा रहे हैं, बहुत बेदर्दी के साथ, बहुत निरंकुशता के साथ। तब मन में ये सोचने के लिए प्रश्न पैदा होता है कि अंग्रेजों का अधिकारी डलहौजी जैसे जमीनें छीना करता था, अब आजादी के बाद भी वैसी ही जमीनें छीनी जा रही हैं, तो हम कैसे माने कि डलहौजी मर गया है? मुझे तो लगता है डलहौजी की आत्मा ही हमारे नेताओं में प्रवेश कर गई है और वो किसानों के साथ इतनी बेदर्दी से व्यवहार कर रहे हैं। आजादी अधूरी है, पूरी नहीं है। ये कानून खत्म होना चाहिए था, लैंड एक्विजिशन एक्ट का, अभी तक खत्म नहीं हुआ। और एक उदाहरण देता हूं, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। उस कानून में एक अधिकारी की पोस्ट बनाई गई, उस अधिकारी का नाम है कलेक्टर। इसका काम क्या था? भारत के लोगों से पैसे छीनना और अंग्रेज सरकार को देना। तो पैसे इकट्ठे करने वाला जो अधिकारी था, इसलिए उसका नाम था कलेक्टर। अंग्रेजी का एक शब्द ना कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला, क्या पैसे इकट्ठा करने वाला बना दिया उन्होंने। और ये कलेक्टर नाम का अधिकारी 150 साल इस देश के लोगों से धन संपत्ति छीन छीन कर अंग्रेजों को देता रहा। अब आजादी के 62 साल के बाद ये कलेक्टर की क्या जरूरत, उस पोस्ट की क्या जरूरत, उस कानून की क्या जरूरत? और अगर वही कानून है, वही पोस्ट है और वही अधिकारी है, तो उन शहीदों के बलिदान को हम क्या कहेंगे जिन्होंने कलेक्टर के खिलाफ लड़ते हुए जान दी है? इसका माने तो शहीदों का बलिदान बेकार चला गया और ये देश अपने शहीदों के बलिदान को अपमानित कर रहा है उन कानूनों को चलाकर जिनके खिलाफ शहीदों की शहादत हुई है। इस देश में आप जानते हैं 7,32,780 शहीद हुए अंग्रेजों की फांसी पर चढ़कर। हमें तो 2-4 नाम मालूम है, भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, अशफाक उल्ला का, राजगुरु का, सुखदेव का, मदन लाल धींगरा का। हम ऐसे नाम अगर गिनना शुरू करें तो 10-20 नाम गिन पाते हैं। इनकी संख्या 7,32,780। इतने शहीदों की शहादत के बाद देश आजाद हुआ है और उन सारे शहीदों ने अंग्रेजों के कानून के खिलाफ अपना लड़ाई लड़ी थी। और वही कानून अगर आजादी के बाद चले तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। और एक उदाहरण देता हूं, एक बार अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट उसका नाम।
ये कानून 1860 में बना, और ये कैसे बना इसकी कहानी सुनाता हूँ। 1857 में हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा संग्राम हुआ था, जिसको हम सब कहते हैं आज़ादी का पहला स्वाधीनता संग्राम। हमारे देश में एक क्रांतिकारी हुआ करते थे नाना साहब पेशवा, और उनके एक सहयोगी थे तात्या टोपे, और उनकी एक सहयोगी थी झांसी रानी लक्ष्मीबाई, उनकी एक सहयोगी थी रानी झलकारी बाई, उनके एक सहयोगी थे अजीमुल्ला, एक सहयोगी थे अहमद शाह। हिंदू मुसलमान सब मिलकर इन्होंने एक संगठन तैयार किया था 1857। उस संगठन की नींव पड़ी थी बिठूर नाम के शहर में। बिठूर छोटा सा शहर है, आपने कानपुर सुना है, कानपुर के नजदीक है, 24 किलोमीटर लगभग। तो वहां संगठन बन गया, और संगठन का उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है, क्योंकि बहुत अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज। सबसे बड़ा अत्याचार, देश का पैसा लूट रहे थे और लंदन लेके जा रहे थे। कितना लूट रहे थे, एक ही कहानी बताता हूं आपको। एक अंग्रेज था जिसने लूट का रिकॉर्ड बनाया इस देश में, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो बंगाल में जब आ गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में जब शासन स्थापित हो गया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को लूटा, और 7 साल लूटा। लूट कर वो धन लंदन ले गया, 7 साल के बाद उसका ट्रांसफर हो गया। लंदन से पहले भारत भेजा गया, फिर वापस लंदन चला गया। तो जब दोबारा लंदन गया, तो ब्रिटेन की संसद में उससे एक सवाल पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए। तो उसने उत्तर दिया ब्रिटेन की संसद में कि भारत से लूट कर नहीं लाया, भारत के एक राज्य से, और एक राज्य से भी नहीं लाया, एक राज्य के एक शहर के एक मोहल्ले से लूट कर लाया। और इस बात को उसने कहा ब्रिटेन की संसद में कि पूरे भारत से लूट कर लाने की तो मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि पूरे भारत को लूटने के लिए तो 1000 साल लगेंगे, मैं तो 7 साल भारत में रहा, तो 7 साल में मैं तो एक इलाके को लूट पाया, और वो धन मैं यहां लंदन लेके आया। उसको पूछा गया क्या लाए तुम, तो उसने कहा सोने के सिक्के लाया, चांदी के सिक्के लाया, हीरे जवाहरात लाया। कितना लेके आए, उसने कहा अंदाजा नहीं है। तो ब्रिटेन की संसद में उससे पूछा गया कि कुछ तो बताओ, तो उसने जो उत्तर दिया वो हम सब के लिए हृदय विदारक है। उसने कहा कि भारत से कलकत्ता का धन लूट कर लंदन लाने में मुझे पानी के 900 जहाज लगे। नाव नहीं कहा उसने, जहाज। फिर उसको पूछा गया एक जहाज में कितना आता है, तो उसने कहा लगभग 60 से 70 मीट्रिक टन माल आता है एक जहाज में, और एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, माने 70,000 किलोग्राम माल भर के ले जाता है एक जहाज। ऐसे 900 पानी के जहाज भर के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती माणिक, ये सब लूट कर ले गया एक अंग्रेज जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसको पूछा गया लंदन की पार्लियामेंट में कि ये जो धन तुम लाए हो इसकी कीमत बताओ। कहने लगा ये तो बहुत कीमती है। तो उसने अंदाजा बताया, ठीक ठीक नहीं बताया, उसने कहा मेरा अंदाजा है कि ये 1,000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड है। अब ये 1,000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का मतलब क्या होता है, 1,000 × 10 लाख, 1,000 × 10 लाख, ये हुआ 1,000 मिलियन, और स्टर्लिंग पाउंड अंग्रेजों की करेंसी। आज अगर इस धन को हम निकालें तो कितना निकलेगा, 1,000 × 10 लाख, स्टर्लिंग पाउंड में इस समय 85 रुपए,
तो 1000 गुणा 10 लाख गुणा 85 और स्टर्लिंग पाउंड में पिछले 200 साल में जो अवमूल्यन हुआ है वो 300 प्रतिशत का है। तो 1000 गुणा 10 लाख गुणा 300 गुणा 85 इतना धन आप कैलकुलेट करो, एक अंग्रेज लूट कर ले गया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और ये रॉबर्ट क्लाइव कोई अकेला नहीं था, ये लूट के ले गया, इसके पीछे दूसरा आ गया, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने लूटा फिर इस देश। वॉरेन हेस्टिंग्स लूट के गया तो फिर तीसरा आ गया, उसका नाम था कर्जन, उसने लूटा इस देश। कर्जन गया तो चौथा आ गया विलियम वेंटिंग, उसने लूटा इस देश। फिर लॉरेंस आ गया, फिर वेवल आ गया, फिर लिनलिथगो आ गया, और इस तरह से 84 गवर्नर जनरल अंग्रेजों के आए, लूटते ही रहे इस देश को 200 साल लगातार। आखिरी लुटेरा जो अंग्रेजों का था उसका नाम था माउंटबेटन। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर माउंटबेटन के बीच में अंग्रेजों ने इस देश से 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। इतनी लूट दुनिया में किसी देश की नहीं हुई जो भारत की हुई। तो 1857 की जो क्रांति हुई ना, उसका सबसे प्रमुख मुद्दा ये था कि अंग्रेज लूट रहे हैं इस देश को बेतहाशा, और यहाँ का धन लंदन जा रहा है। इसलिए क्रांतिकारियों ने तय किया कि इन अंग्रेजों को भारत से मार के भगा देना। दूसरा एक कारण था, अंग्रेज हिंदुस्तान के नागरिकों के अत्याचार बहुत किया करते, पुलिस का अत्याचार होता था, वो मैंने एक बताया। दूसरा एक और होता था कि भारतवासी जो अंग्रेजों का विरोध करें उनको तोप के मुंह से बांधकर गोला दागकर चिथड़े चिथड़े करते थे। अंग्रेज तोप के मुंह से बांधकर उड़ाते थे। एक और अत्याचार होता था, जो क्रांतिकारी अंग्रेजों का विरोध करें उनको पुलिस थानों में और जेल में बंद करके उनके नाखून खींचे जाते थे, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर बेंतों से मारा जाता था। आपने अगर हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर की किताब पढ़ी हो तो उनको काले पानी की जेल अंडमान में भेजा जाता था, और इतना काम कराते थे जो कोई बैल और जानवर नहीं करता, कोल्हू पिसवाते थे, बहुत अत्याचार। तो लोगों में उसका गुस्सा था कि अंग्रेजों को मार के भगाना। तीसरा एक और कारण था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को मार मार के पीट पीट के ईसाई बनाते थे, और जो ईसाई ना बने फिर उस पर अत्याचार करते थे। चौथा एक कारण था कि हमारी जो गाय है बहुत पवित्र है, अंग्रेज उसी का कत्ल करते थे, गाय का, एक एक दिन में हजारों गाय काटते थे। गाय काटने का सबसे पहला कत्ल खाना अंग्रेजों ने खोला इस देश में, कलकत्ता में सबसे पहला, और हजारों गाय कटती थी। उस गाय का मांस जो निकलता था वो अंग्रेज अधिकारी खाते थे और भारत के हिंदुओं को चिढ़ाते थे कि देखो तुम्हारी गाय हम काट रहे हैं। फिर हमारे देश की मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, उनकी इज्जत को तार तार। मेरे पास कुछ अंग्रेजी दस्तावेज हैं, उनमें से एक अंग्रेज अधिकारी है, उसका नाम था नील। वो अपनी डायरी में लिखता है कि भारत की माँ बहन बेटियों के साथ हम क्या करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, हमारी जो आर्मी के लोग हैं पुलिस के लोग हैं वो माताओं बहनों को नंगा कर देते हैं, पूरे गांव में उनकी परेड निकालते हैं, फिर माताओं के शरीर का जो अग्रभाग होता है स्तन उसको लोहे के चिमटे से दबाते हैं, तब तक दबाते हैं जब तक खून ना निकल आए, उसके बाद उनके साथ बलात्कार करते हैं, फिर उनकी गर्दन काटते हैं, ऐसे अत्याचार करते थे। अब कोई समाज ऐसे अत्याचारों को कितने दिन बर्दाश्त करेगा। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतवासियों में जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ, और उस गुस्से का परिणाम था 1857 की क्रांति। शुरू कैसे हुई, ये एक क्रांतिकारी थे हमारे देश में, उनका नाम था मंगल पांडे।
वो अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करते थे, माफ करिए सेना में। बैरकपुर नाम का एक छोटा सा स्थान है बंगाल में, वहां उनकी पोस्टिंग थी। उनको एक दिन पता चला कि अंग्रेज गाय काटते हैं, और गाय काटते ही नहीं है, उस गाय का जो मांस है वो कारतूस पे लगाते हैं, और वो कारतूस भारतवासियों को मुंह से खोलना पड़ता है, माने गाय का मांस मुंह से लगाना पड़ता है। ये मंगल पांडे को पता चला। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी, 29 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को पूछा कि क्या आप गाय काटकर उसका मांस कारतूस पे लगाते हैं। उस अधिकारी का नाम था मेजर जनरल ह्यूसन। तो उस अधिकारी ने कहा, ना भी नहीं कहा, हां भी नहीं कहा, उत्तर नहीं दिया, चुप रहा। मंगल पांडे ने फिर पूछा, फिर भी उसने उत्तर नहीं दिया। गुस्सा आ गया, तो मंगल पांडे के पास राइफल थी, उन्होंने 2 गोली मारी उसको, ह्यूसन वहीं मर गया। फिर दूसरे अंग्रेजों ने आकर मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश की, मंगल पांडे ने और एक अंग्रेज अधिकारी को मार डाला। तब तक कुछ इकट्ठे होकर अंग्रेज आ गए, उन्होंने दबोच लिया मंगल पांडे को। फिर मंगल पांडे के खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ, 10 दिन बाद उनको फांसी हो गई, 8 अप्रैल 1857 को। जिस दिन फांसी हुई मंगल पांडे को, उस दिन उनके जो सहयोगी थे वो सब देख रहे थे अपनी आंखों से। उनके सहयोगी कौन थे, भारतवासी जो अंग्रेजों की फौज में नौकरी करते थे, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मंगल पांडे की बटालियन में जितने भारतवासी थे सबने इस्तीफा दे दिया, सेना छोड़ दी। ऐसे करीब 1100 सैनिक थे, और उन्होंने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई कि इन अंग्रेजों की शासन को हम खत्म करेंगे अब, जिन्होंने मंगल पांडे को फांसी दी। ऐसे करके वो 1100 लोग 5-5 के समूह बनाकर पूरे देश में घूम गए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, गांव-गांव जाकर उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाई। लोगों में गुस्सा पैदा हुआ, फिर संगठन खड़ा हुआ, और उस संगठन की मदद से पूरे देश में क्रांति शुरू हुई। उस क्रांति का दूसरा बीज पड़ा मेरठ में 10 मई 1857 को। मेरठ में भारतवासियों ने अंग्रेजों के घर जला दिए, और अंग्रेज अधिकारी उसमें जल के मर गए। कुछ अंग्रेजों ने भागने की कोशिश की, तो शहर के लोगों ने उनके सिर काट दिए हसीये से, गणासे से। फिर उसके बाद दिल्ली में क्रांति हो गई, और 5 दिन में दिल्ली के सारे अंग्रेजों को भारतवासियों ने मार डाला। फिर बरेली में, शाहजहांपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में, अलीगढ़ में, एटा में, इटावा में, मैनपुरी में, भारत के ऐसे 350 जिलों में क्रांति शुरू हो गई। और हर जगह एक ही नजारा था, जो अंग्रेज मिले उसको काटो। वैसे भारतवासी अहिंसावादी हैं, चींटी को भी नहीं मारते, लेकिन जब भारतवासियों के सब्र का बांध टूट जाता है तो गर्दन से भी काट देते। भारतवासियों के बारे में मेरा एक आकलन है, वो ये कि ये जब तक सोते रहते हैं हाथी की तरह से सो रहे हैं, लेकिन जब हाथी मदमस्त होके चलना शुरू कर देता है तो सबको रौंद देता है। ये भारतवासियों का स्वभाव है। इकट्ठे हो गए, गुस्सा आ गया, परिणाम जानते हैं क्या हुआ, 350 जिलों में 4 महीने के अंदर भारतवासियों ने 3,64,000 अंग्रेजों को खत्म कर दिया। दुनिया में ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं मिलता। और खत्म किससे किया, हसीये से, फसल काटने वाला हसिया, गणासा, हसिया, तलवार, भाला, यही था। थोड़ी बहुत भारतवासियों के पास बंदूकें भी थी। और इस क्रांति में इतना लोगों में गुस्सा और उबाल पैदा हुआ कि 4 महीने में 4.5 करोड़ भारतवासी पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार थे। अंग्रेज थे 3,64,000, भारतवासी 4.5 करोड़, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। तो 4 महीने में अंग्रेज मारे गए, खत्म हो गए। कुछ अंग्रेज जिंदा बच गए,
जो भागकर लंदन पहुंच गए। उनको पूछा गया तुम कैसे बच गए, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। उन अंग्रेजों ने कहा कि हमने हमारे शरीर पर कालिख पोत ली थी, काला कर लिया था अपने शरीर को, तो भारतवासी हमको पहचान नहीं सके, कोयला लगा लिया था पूरे शरीर पर, तो भारतवासियों को लगा कि ये तो अपना ही आदमी है, काला है, इसलिए बच गए, वरना वो भी नहीं बचते। फिर उनसे पूछा गया कि तुम जो बच के आ गए हो अब बताओ क्या करना है, तो उन्होंने कहा भारत में तो बड़ा मुश्किल है, अब नहीं जा सकते, भारत तो आजाद हो गया। हिंदुस्तान का, भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि 1 सितंबर 1857 तक पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, यूनियन जैक हर जगह से उतार दिया गया। ये जानकारी आपको शायद है या नहीं कि हम 1 सितंबर 1857 को ही आजाद हो गए। उन्होंने कहा एक ही तरीका है, भारत में अगर वापस जाना है और फिर भारत को गुलाम बनाना है तो एक ही तरीका है कि भारत के कुछ राजा महाराजा जो अंग्रेजों के वफादार हैं उनकी मदद अगर हमें मिल जाए तो फिर भारत में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो लंदन की पार्लियामेंट में बहस हुई कि कौन कौन वफादार है हमारा जो अंग्रेजों से प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, और जो अंग्रेजों का वफादार होगा वो निश्चित रूप से भारत का तो गद्दार ही होगा, तभी तो वफादारी करेगा, भारत के क्रांतिकारियों से धोखा देने वाला होगा तभी तो अंग्रेजों का वफादार होगा। तो अंग्रेजों के वफादार राजा कौन कौन है इस देश में, उसकी सूची बनाई गई, तो उस सूची में सबसे पहला नाम सिंधिया परिवार, सबसे पहला नाम। अंग्रेजों की संसद में बहस हुई कि इनसे ज्यादा वफादार हमारा कोई नहीं भारत, ये हमको बहुत प्रेम करते। फिर उस सूची में दूसरा नाम पटियाला राजघराने के महाराजा का, पटियाला राजघराना समझते, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का राजघराना। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम मालूम है, जो पंजाब का मुख्यमंत्री रह चुका है उसका परिवार, वो दूसरे नंबर पर अंग्रेजों का वफादार। फिर एक तीसरा राजा हैदराबाद का निजाम, उसका नाम था सालार जंग। फिर एक चौथा राजा हरियाणा में एक रियासत थी जींद, वहां का राजा। ऐसे 20 राजाओं की सूची बनी और अंग्रेजों की संसद में ये बात हुई कि ये तो हमारे बहुत वफादार। तो फिर इन राजाओं को अंग्रेजों ने चिट्ठियां भेजी, संपर्क किया, तो इन राजाओं ने अंग्रेजों के साथ क्या कहा वो सुनना चाहिए, जानना चाहिए। इन्होंने कहा आप वापस आ जाओ, हम आपकी मदद करेंगे। अंग्रेजों ने पूछा क्या मदद करोगे, तो इन राजघरानों की तरफ से जानकारी मिली कि हम आपको अपनी सेना देंगे लड़ने के लिए, आप क्रांतिकारियों से लड़ो भारत। और उन्होंने कहा कि सेना ही नहीं देंगे, पैसे भी देंगे, हमारे खजाने में जितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं वो आपको दे देंगे अंग्रेजों, सेना देंगे, पैसा देंगे, और क्रांतिकारियों के भेद बताएंगे, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इनको कैसे मारा जा सकता है, कहाँ छुपते हैं, ये सब गोपनीय बातें आपको बताएंगे। तो अंग्रेज फिर आ गए, उनको सिंधिया परिवार की मदद मिली, उनको पटियाला राजघराने की मदद मिली, उनको जींद परिवार की मदद मिली। ऐसे बीसियों राजाओं ने उनको अपने हजारों सैनिक दे दिए, पैसे दे दिए, और अंग्रेज थोड़ा सा अपने देश से लेके आ गए, तो उनको मिलाकर फिर अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को मारना शुरू किया। और मुझे बहुत अफसोस है कि भारत के क्रांतिकारियों को इसी देश के गद्दार राजाओं ने मरवाया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ आप जानते हैं कितनी बड़ी साजिश की सिंधिया परिवार ने, झलकारी बाई के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हुई, नाना साहब पेशवा, नाना तांतिया टोपे के खिलाफ क्या साजिश हुई,
परिणाम उसका क्या निकला कि भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को क्रांतिकारियों के पते देना शुरू किया, अंग्रेजों ने जाके हमले करना शुरू किया और एक एक गांव उन्होंने खत्म किया। फिर इस देश बिठूर गांव की फिर कहानी सुनाता हूं। बिठूर गांव नाना साहब पेशवा का गांव था, वहां से क्रांति की योजना बनी थी तो अंग्रेजों ने सबसे पहला हमला बिठूर पे किया। उस समय बिठूर की कुल जनसंख्या 24,000 थी। अंग्रेजों ने जब हमला किया बिठूर पर तो 24,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया अंग्रेजों। 3 महीने के छोटे से बच्चे को लेकर और 90 साल के बुजुर्ग तक सबको अंग्रेजों ने मार डाला बिठूर, और पूरा बिठूर वीरान हो गया, शमशान हो गया। फिर बिठूर के बाद अंग्रेजों ने दूसरे हमले किए लखनऊ पे, फैजाबाद पे, इलाहाबाद पे, जौनपुर पे, और एक एक करके क्रांतिकारियों को मारते मारते पूरे देश को फिर अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। जब अंग्रेजों का कब्जा फिर इस देश पर स्थापित हुआ तो हमारे देश का ये दुर्भाग्य था कि जिन राजाओं को इस देश की जनता ने चुना था, जिन राजाओं ने इस देश की माटी में जन्म लिया था, जिन राजाओं ने इस देश का पानी पिया था, बड़े हुए थे इस देश का भोजन करके, उन राजाओं ने देश से गद्दारी की और अंग्रेजों से वफादारी की। इसलिए हम दोबारा गुलाम हुए, वरना हम तो 1857 में ही आजाद हो गए थे। फिर जब दोबारा गुलामी आ गई तो अंग्रेजों की संसद में बहस हुई और ये बात हुई कि भारतवासियों ने 1857 में जो पराक्रम दिखाया, वीरता दिखाई और हमें हरा दिया, दोबारा कभी भारतवासी इतना पराक्रम ना कर सकें, इतनी वीरता भारतवासियों में ना हो, इसके लिए कुछ इंतजाम करो। तो अंग्रेजों की संसद में ये बात आई कि इसके लिए कुछ ऐसे कानून बनाओ कि भारतवासी दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह ना करें। तो उन्होंने कानून बनाए, तो एक कानून बनाया अंग्रेजों ने सबसे पहले, हथियारों के लाइसेंस का कानून। हमारे देश में 1857 के पहले पता है हथियार रखना नहीं रखना ये हर आदमी की इच्छा पर निर्भर था। जरूरत है तो हथियार रखो, नहीं है तो मत रखो। किसी से पूछना नहीं पड़ता था कि मैं बंदूक रखूं कि तलवार रखूं, मेरी जरूरत है मैं रख सकता हूं अपनी सुरक्षा के लिए। फिर अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि हथियार वही रखेगा जिसके पास लाइसेंस होगा, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो हथियार नहीं रख सकते। और लाइसेंस कौन देगा? अंग्रेजों की सरकार देगी। लाइसेंस किसको मिलेंगे? जो अंग्रेजों के चाटुकार हैं। तो इस देश में हथियारों के लाइसेंसिंग का कानून शुरू हुआ और वो जमाने से चलता हुआ कानून आज भी इस देश में चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। बस अंतर इतना है, पहले गोरे अंग्रेज लाइसेंस बांटते थे, अब काले अंग्रेज बांटते। अब पहले लोगों के पास हथियार थे अपनी सुरक्षा से, इच्छा से, तो हम अंग्रेजों से लड़ लिए। फिर अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि सबके पास हथियार नहीं रहेंगे, जो लाइसेंस रखेंगे उन्हीं के पास हथियार होंगे। तो लोगों के हथियार छीन लिए अंग्रेजों ने, तो लोगों को कमजोर बना दिया। ये काम उन्होंने शुरू किया। फिर एक दूसरी बहस हुई अंग्रेजों की संसद में। वो बहस ये हुई कि क्रांति हुई 1857 में तो पैसे खर्च हुए, 4.5 करोड़ भारतवासी अगर लड़ रहे थे तो कुछ तो खर्चा हुआ होगा, तलवारें बनी, बंदूकें बनी, हसिये बने, गड़ासे बने, तो इनको बनाने के लिए लोहे की जरूरत पड़ी होगी, और उस लोहे का उत्पादन करने के लिए भट्टियां बनाई गई होंगी जिसमें कच्चा लोहा गलाया गया होगा, हजारों टन लोहा गला होगा, तब जाकर ये हथियार बने होंगे, उस लोहे को कहीं से खरीदा गया होगा, उसमें पैसे लगे होंगे, तो ये पैसे कहाँ से आए? अंग्रेजों ने ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि क्रांतिकारियों को सबसे ज्यादा दान दिया लोगों ने, किसानों ने, फिर व्यापारियों ने, फिर उद्योगपतियों ने। तो अंग्रेजों ने तय किया कि ये किसानों ने जो दान दिया है, व्यापारियों ने दिया है, उद्योगपतियों ने दिया है, ये कुल कितना है?
तो उस जमाने में क्रांतिकारियों को 480 करोड़ रुपए का दान मिला था पूरे देश। आज अगर इस रकम को समझना हो तो इसमें 300 का गुणा करना पड़ेगा, 480 करोड़ गुणा 300 तो कुछ हजार करोड़ रुपए का दान मिला। इतना दान किसने दिया? किसानों ने, कारीगरों ने, उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने। तो ये दान कैसे दिया गया होगा? जब होगा लोगों के पास तभी तो दिया होगा, इसका माने लोगों के पास पैसे थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर ये लोगों के पास पैसे रहेंगे तो फिर ये दोबारा दान देंगे और फिर क्रांतिकारियों का संगठन खड़ा हो जाएगा और फिर हमारे खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। तो भारत के नागरिकों के पास पैसे रहने ही मत दो, छीन लो सारे पैसे इनसे। तो भारतीय नागरिकों का धन छीनने के लिए अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए, उनमें से एक कानून है इनकम टैक्स एक्ट। ये लोगों से पैसे छीनने के लिए, धन छीनने के लिए बनाया गया था। और जब अंग्रेजों ने ये कानून को लागू किया तो 97% इनकम टैक्स रखा था, माने किसी भारतवासी की 100 रुपए की आमदनी हो तो 97 रुपए अंग्रेजों को देना, सिर्फ 3 रुपए बचेगा। फिर अंग्रेजों ने और एक कानून बनाया, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ये कानून क्या था? भारत के उद्योगपति जो भी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उत्पादन पर उनसे छीनो पैसा, इनकम टैक्स की तरह एक्साइज टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी लगाई अंग्रेजों ने 350%। 100 रुपए का माल कोई बनाए भारतवासी तो 350 अंग्रेजों को देना पड़े। फिर अंग्रेजों ने एक कानून बनाया सेल्स टैक्स। फिर अंग्रेजों ने एक कानून बनाया ऑक्ट्रॉय टैक्स। फिर एक कानून बनाया रोड टैक्स। फिर टोल टैक्स। अंग्रेजों की नीति क्या थी? भारत का आदमी सामान का बनाए, उत्पादन करे तो उत्पादन पर पैसे छीनो उनसे, फिर उसको बेचेगा तो बेचने पर पैसे छीनो, बेचकर मुनाफा कमाएगा तो मुनाफे पर पैसे छीनो, एक गांव से दूसरे गांव में लेके जाएगा तो वहां पैसे छीनो, अंग्रेजों की सड़क पर से जाएगा तो रोड टैक्स के रूप में छीनो, अंग्रेजों के पुल पर से जाएगा तो टोल टैक्स के रूप में छीनो। ऐसे सारे धन को छीन छीन कर लंदन लेके जाओ, इसके लिए टैक्स के कानून बनाए। परिणाम क्या हुआ? 90 साल में सारा देश कंगाल हो गया ये टैक्स कानून के कारण। एक तो बर्बादी क्या आई, भारत के उद्योगों पे टैक्स हो गया तो माल महंगा हो गया, तो माल बिकना मुश्किल हो गया। दूसरा, अंग्रेजों ने पैसे छीन छीन के लंदन ले जाना शुरू कर दिया तो यहां पूंजी की कमी हो गई, यहां पैसा खत्म हो गया। इस कारण से ये देश गरीब हुआ, वरना ये देश गरीब नहीं था। मैंने अंग्रेजों के जमाने के हजारों दस्तावेज पढ़े हैं, देखे हैं, कई दस्तावेज तो मेरे अपने पास में हैं। उन दस्तावेजों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। भारत का निर्यात पूरी दुनिया में चलता था, निर्यात माने माल बेचने का काम, और पूरी दुनिया में जितना माल बिकता था उसका 33% अकेले भारत का होता था। सारी दुनिया में जो आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की होती थी। फिर पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका लगभग 43% अकेले भारत का होता था। ऐसा देश था भारत। धन संपन्नता इस देश में बहुत थी। भारत कितना धन संपन्न था, एक अंग्रेज की कहानी उसकी जुबानी सुनिए तो आपको समझ में आएगा। एक अंग्रेज था इस देश में, उसका नाम था टीबी मैकॉले, जिसने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की इस देश में। 17 साल वो भारत में रहा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह घूमा वो। एक बार वो भारत में घूमने के बाद लंदन चला गया। लंदन की पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को उसका एक भाषण हुआ। उसमें वो क्या बोलता है? वो कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया।
इसका मतलब क्या है? मैंने संपूर्ण भारत देश को देखा है, प्रवास किया है। लेंथ एंड ब्रेथ का माने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह मैं गया। फिर आगे कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है कि पूरे भारत में एक भी आदमी को मैंने भिखारी नहीं देखा और किसी को चोर नहीं देखा। भारत देश ऐसा है। भिखारी क्यों नहीं? क्योंकि धन इतना है, संपत्ति इतनी है, गरीब कोई है नहीं तो भिखारी क्यों? और चोर कोई क्यों नहीं? क्योंकि चोरी होती नहीं। और कोई चोरी करेगा क्यों? क्यों करेगा? अगर आपके पास धन है, पैसा है, संपत्ति है, आप किसी की चोरी क्यों करेंगे? तो वो कहता है भारत में हर घर के पास इतना धन संपत्ति है कि कोई किसी की चोरी करने की सोचता ही नहीं है। फिर वो कहता है कि भारत में किसी भी घर में ताला नहीं लगता। क्यों? चोरी का डर नहीं तो ताला क्यों लगाएंगे? फिर वो बोलता है कि भारतवासी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो अपना घर ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, पड़ोसी उनके घर की देखरेख करते हैं और एक एक साल दो दो साल के बाद आते हैं, घर की एक चीज भी कहीं इधर से उधर नहीं होती। इतनी ईमानदारी इस देश में है। फिर वो कहता है सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है इतना धन और पैसा मैंने इस देश में देखा है कि हम अंग्रेजों को तो विश्वास नहीं होता। एक जगह वो बोलता है कि किसी भी भारतवासी के घर में मैं गया तो उसके घर में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे चने का ढेर, गेहूं का ढेर, ऐसे सोने के सिक्के रखे रहते हैं भारतवासियों के घर। और वो कहता है किसी भी भारतवासी को पूछो कि कितने सोने के सिक्के हैं तो कहते हैं गिने नहीं है, तौल के रखते हैं, गिनने की फुर्सत नहीं है, इतने सोने के सिक्के। अब उसका ये भाषण सुन के तो पता चला कि भारत कितना अमीर देश था, कितना समृद्धशाली देश था। और हमारे दिमाग में एक गलत फहमी ये बैठी हुई है कि हम तो हजारों साल से गरीब हैं। ऐसा दिमाग हमारा घूम गया है कि बहुत सारे भारतवासी ये कहते हैं हम तो हजारों साल से गरीब हैं। और मैकॉले 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कह रहा है कि भारत दुनिया का सबसे पैसे वाला देश। आप जरा ये सोचो, अगर हम पैसे वाले नहीं होते, समृद्धशाली नहीं होते, तो दुनिया भर के लोग भारत में क्यों आए लूटने के लिए? एक महमूद गजनवी आया, सोमनाथ का मंदिर लूटा, नादिर शाह आया, तैमूर लंग आया, अहमद शाह अब्दाली आया, ऐसे हजारों साल तक विदेशी लुटेरे आते रहे लूटने के लिए। ये तो तभी आए ना जब हमारे पास पैसे थे, धन संपत्ति था, वरना गरीबों को लूटने कौन जाता है? और अंग्रेज ही आके 250 साल लूटते रहे। अगर हम धन संपत्ति वाले नहीं होते तो अंग्रेज क्या झक मारने आए थे यहां? और आए होते घूमने टहलने तो साल दो साल में वापस चले जाते, 250 साल क्यों रहे? ये तो इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे पास पैसा था, धन था, संपत्ति था। और एक जानकारी कि इस हिंदुस्तान में सोने के मंदिर लोगों ने बनाए, ये तभी संभव है जब सोना था हमारे पास, वरना सोने के मंदिर क्यों बनते इस देश में? और एक दो मंदिर नहीं बने हैं, हजारों मंदिर हैं सोने के। आपको अगर ये पूछा जाए कि सोने के मंदिर के नाम बताओ तो आप कहेंगे अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। ज्यादा लोगों को एक ही नाम मालूम है। मैंने अंग्रेजों के दस्तावेजों में से सूची बनाई, 13,780 सोने के मंदिर। एक दो नहीं, 13,780, और अभी भी हैं, खत्म नहीं हुए। एक तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है ही, फिर तिरुपति बालाजी का मंदिर भी स्वर्ण मंदिर है,
हजारों टन सोना है उनके पास। गुरुवायूर का मंदिर स्वर्ण मंदिर है, मीनाक्षीपुरम का मंदिर स्वर्ण मंदिर है। बंद कर दो इसको। माता वैष्णो देवी का मंदिर स्वर्ण मंदिर है। तो इतने सारे स्वर्ण मंदिर इस देश में बने हैं। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये किसी राजा ने नहीं बनाए हैं, ये जनता के दिए हुए दान के पैसे पे बने हैं सारे स्वर्ण मंदिर। और जनता सोने का दान कब करेगी? जब सोना है तभी ना। तो लोगों के पास सोना इतना ज्यादा हुआ कि उन्होंने दान किया, दान करने से मंदिर बने। माने बहुत अमीर और बहुत समृद्धशाली देश था ये, इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे। अब उस सोने की चिड़िया देश को अंग्रेजों ने कंगाल और भिखारी देश बना दिया, लूट लूट कर। और लूटने का तरीका क्या? कानून बनाओ, टैक्स लगाओ। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही लूट मार करती थी, फिर कानून बना के शुरू कर दिया। तो इसमें हम लूटे और इसमें हमारा देश गरीब हो गया। और मैंने आपको कहा 300 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अंग्रेजों ने लूटी, उसमें ये देश गरीब हो गया। अब होना क्या चाहिए था? आजादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा देश चलाने वाले जो लोग थे उनको इस बात पर गंभीर चिंतन मनन और इस पर शोध करनी चाहिए थी कि भारत गरीब क्यों हुआ। अगर मैं ये काम कर सकता हूं तो 1947 के हमारे नेता भी ये काम कर सकते थे। उनको सोचना चाहिए था गरीब क्यों हुआ। और ये बात जब समझ में आती कि अंग्रेजों की इस कानून व्यवस्था के चलते, टैक्सेशन का जो अंग्रेजों का तंत्र है, इसके चलते ये देश लूटा और गरीब हुआ है, तो क्या करना चाहिए था? 15 अगस्त 47 को ये पूरा टैक्स की व्यवस्था खत्म करनी चाहिए थी। इनकम टैक्स एक्ट खत्म करना चाहिए था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट खत्म करना चाहिए था, टोल टैक्स का कानून खत्म करना चाहिए था, रोड टैक्स का कानून खत्म करना चाहिए था, ये सब खत्म होना चाहिए था। लेकिन मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि आज़ादी के 62 साल के बाद भी ये सब कानून चल रहे हैं। इनकम टैक्स भी है, सेंट्रल एक्साइज भी है, रोड टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है, ऑक्ट्रॉय भी है। और मुझे तो दुख इस बात का है कि अंग्रेजों ने तो 23 टैक्स के कानून लगाए थे, अंग्रेजों के जाने के बाद तो 64 तरह के टैक्स इस देश पर लगे। और आज भी ये देश लूट रहा है। बस अंतर इतना है कि पहले अंग्रेज इसको छोड़ दीजिए ना, आप क्यों परेशान हैं जब मुझे तकलीफ नहीं थी। अंग्रेजों के समय में जो टैक्स सिस्टम आया, लूट लूट कर सारा धन उन्होंने लंदन में जमा किया, परिणाम उसका निकला भारत गरीब हुआ और इंग्लैंड उस पैसे से अमीर हुआ। अब आज़ादी के बाद इस देश में दूसरी व्यवस्था आई, टैक्स के वही कानून जो अंग्रेजों ने लगाए थे लूटने के लिए, काले अंग्रेजों ने भी वही कानून लगा रखे हैं इस देश को लूटने के लिए। इस देश में आज़ादी के बाद कितनी सरकारें आई और चली गई, किसी ने इनकम टैक्स का कानून नहीं हटाया, सेंट्रल एक्साइज नहीं हटाया, सेल्स टैक्स नहीं हटाया, बल्कि कई सरकारें आईं, उन्होंने और ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। अब आज की सरकारें टैक्स लगाकर देश को लूट रही हैं, जैसे अंग्रेजों की सरकार लूटती थी। बस अंतर इतना है कि आज की सरकारों के नेता और अधिकारी जो लूटते हैं उस धन को स्विट्जरलैंड में जमा करते हैं, अंग्रेज जिसको लूटते थे उसको लंदन में जमा करते थे। बस इतना ही फर्क। इसलिए मैं ये कहता हूं कि गोरे अंग्रेजों ने देश को जो लूटा, आज काले अंग्रेज भी यही कर रहे हैं। काले अंग्रेज में बार बार जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उसका माने हमारे आज के भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अधिकारी, क्योंकि ये लूटते हैं, ये हमारे ही लोग हैं और हमको लूटते हैं। माने इनमें अंग्रेजों की आत्मा ही प्रवेश कर गई। ये कितना लूटते हैं? अंग्रेजों के समय में हर साल 70,000 करोड़ रुपए वो लूटते थे जो यहां से लंदन जाता।
आज के जो काले अंग्रेज हैं वो हर साल आपसे 20 लाख करोड़ रुपए लूट लेते हैं जो इनके खातों में जमा हो जाते। आप पूछेंगे कैसे 20 लाख करोड़। हमारे देश में सरकार चलती है कई स्तर पर, एक तो दिल्ली में चलती है जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, वो लूटती है आपसे, उनके टैक्स अलग है। एक राज्य में सरकार चलती है वो लूटती है आपसे, उनके टैक्स अलग है। और एक चलती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सरकार, उनके टैक्स अलग है, नगर निगम नगर पालिका के, तीन स्तर पर लूट होती है हमारी। केंद्र सरकार एक साल में लूटती है 6.25 लाख करोड़ रुपए। हमारे राज्य में जो राज्य सरकारें हैं जैसे मध्य प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राजस्थान जैसे पंजाब जैसे हरियाणा, 31 राज्यों की राज्य सरकारें हैं, ये एक साल में लूटती हैं 12 लाख करोड़ रुपए एक साल कुल मिलाकर। और ये जो नगर निगम बने हुए हैं ये लूटते हैं करीब 2 लाख करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए लूट लेते हैं हर साल। अब इन नेताओं और अधिकारियों को जब मैं पूछता हूं कि आप इतना धन क्यों लेते हैं टैक्स के रूप में, तो कहते हैं देश का विकास करने के लिए, यही कहते हैं ना। आपको टीवी में विज्ञापन आता है नहीं कि आप अपना टैक्स ईमानदारी से भरिए, देश के विकास में सहभागी बनिए। तो इनसे मैं पूछता हूं भैया बताओ कितना विकास किया आपने अभी तक, आजादी के 62 साल हो गए, विकास कितना हुआ है? 6,35,365 गांव हैं इस देश में, इनमें से 3 लाख गांव तक अभी तक बिजली नहीं पहुंची। और जहां बिजली पहुंच गई है वहां एक दिन में 2-3 घंटे से ज्यादा आती नहीं है, कटौती ही रहती है। कई कई गांव में तो मैं गया हूं, खाली बिजली के खंबे और तार है, उनमें करंट कभी दौड़ता ही नहीं है। तीन लाख गांव के लोग जिंदगी भर अंधेरे में रहते। लगभग ऐसे ही 3 लाख गांव हैं, 2.5 से 3 लाख, जहां सड़क नहीं है, अभी तक नहीं है। और लगभग 3 लाख गांव ऐसे हैं जहां कोई अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है, बिना दवाओं के लोग मरते हैं वहां। ये तो आप दूर की बात है दवा हॉस्पिटल और डॉक्टर, मैं तो आपको जो मूल बात कहना चाहता हूं कि भारत में 21 करोड़ परिवार रहते हैं, इनमें से 14 करोड़ परिवारों को तो पीने का शुद्ध पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं। 7 करोड़ परिवार हैं जिनको शुद्ध पीने का पानी मिलता है, उसमें से आप खुश नसीब हैं, मैं भी खुश नसीब हूं। 14 करोड़ परिवारों को तो पानी ही नहीं मिलता, कुल 21 करोड़ परिवार हैं, उनमें से 14 करोड़ को पानी नहीं, माने 2/3 आबादी हमारी बिना पानी के है। और जिन घरों को पीने का पानी नहीं है उनकी दशा पता है क्या होती है? एक एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए 2-2, 3-3 मील जाना पड़ता है। मैंने देखा है गांव में माताओं बहनों को सवेरे 3-4 बजे जाना पड़ता है एक बाल्टी पानी लाने के लिए, 7-8 बजे तक वो घर आती हैं, फिर खाना बनाती हैं, फिर दोबारा पानी लेने जाती हैं, फिर वापस आती हैं, तब शाम का खाना बनता है, पूरी जिंदगी उनका यही दुख चलता है। कभी आप बड़े शहरों में घूम जाइए तो ये दृश्य आपको दिखाई देगा कि कोई सार्वजनिक नल है, उसके सामने बाल्टियों की लाइन लगी हुई है, सबको पानी भरना है, और कौन पहले भरे कौन नहीं भरे इस पे एक दूसरे का सर फोड़ना। आजादी के 62 साल में हर व्यक्ति को पीने का पानी अगर उसके घर में नहीं हम दे पाए तो कौन सा विकास किया है हम? इससे भी बड़े दर्द की बात है, आजादी आ गई तब इस देश में 4.5 करोड़ लोग गरीब थे,
अब आजादी के 62 साल के बाद 84 करोड़ लोग गरीब हो गए इस देश में। 84 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है, इतनी गरीबी, बेरोजगारी कितनी है इस देश में। 60 करोड़ नौजवान हैं, आपने सुना है बार बार, भारत सरकार के आंकड़े हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान देश भारत है, माने सबसे ज्यादा युवा इस देश में है, 60 करोड़ नौजवान इस देश में हैं, उनमें से मात्र 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार है, बाकी 56 करोड़ 50 लाख लोगों को कोई काम ही नहीं, रोजगार नहीं। जिन 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार है वो बैंकों में काम करते हैं, बीमा कंपनियों में हैं, रेलवे में हैं, बस में हैं, सरकारी प्रतिष्ठानों में हैं, कुल मिला के 3.5 करोड़ हैं, उनकी तनख्वाह है, उनका टीए है, उनका डीए है, महंगाई बढ़े उसके हिसाब से उनकी तनख्वाहें बढ़ती रहती हैं, उनको फर्स्ट पे कमीशन, सेकंड पे कमीशन, थर्ड पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, एक एक की तनख्वाह बढ़ के 90,000 हो गई है। तो ये 3.5 करोड़ लोगों की तो बल्ले बल्ले है इस देश में, उनकी तो जिंदगी स्वर्ग वाली है। वो अपने बेटे को चाहें तो अमेरिका में पढ़ाएं, वो अपनी बेटी को चाहें तो लंदन में पढ़ाएं, वो अपने बेटे बेटियों को चाहें तो इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, क्योंकि पैसे हैं, और आप सब उन्हीं में से हैं। बाकी 84 करोड़ लोगों को तो सूखी रोटी नहीं है रोज की खाने के लिए, क्योंकि एक दिन में 20 रुपए उनकी आमदनी है। अब 20 रुपए में दो समय का खाना कोई नहीं खा सकता, इतनी महंगाई के जमाने एक ही समय खाना खाते हैं ये लोग। क्या विकास किया है हमने देश का। आजादी के समय 4.5 करोड़ गरीब थे, अब 84 करोड़ हो गए, तो ये विकास हुआ है कि विनाश हुआ। मैं ये सब बहस नेताओं से करता हूं और कहता हूं तुमने किया क्या 62 साल, इतने पैसे हमने दिए तुमको टैक्स के रूप में, खून पसीने की कमाई के, क्या किया। तब इसका उत्तर मिला एक दिन, वो उत्तर दिया इस देश के एक नेता ने जिनका नाम था राजीव गांधी, वो प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने एक दिन ये कहा कि टैक्स का 1 रुपया जब मैं किसी गरीब आदमी के विकास के लिए भेजता हूँ तो उसके पास 15 पैसा ही पहुँचता है, 85 पैसा हमारे नेता अधिकारी लूट के खा जाते। ये राजीव गांधी ने 1984 में कहा। अब 2009 आ गया, भ्रष्टाचार और लूटखोरी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। अब तो हालत इतनी खराब है कि 1 रुपये जब दिल्ली से किसी आदमी को विकास के लिए भेजा जाता है तो उसके पास तो अब 7-8 पैसा ही पहुंचता है, बाकी सब लूट जाता है। ये लूट हो रही है, अंग्रेज लूटते थे, अब ये काले अंग्रेज लूट। अब बात समझ में आती है कि हर साल टैक्स का 20 लाख करोड़ जो हम इकट्ठा करके सरकारों को दे देते हैं उसका तो 10% भी देश के काम नहीं आता, 90% तो लूट जाता है। फिर आप पूछोगे ये लूट कर कहां लेके जाते हैं। ये सारे नेता और अधिकारी इस धन को लूट कर विदेशी बैंकों में रख के आते हैं, क्योंकि वहां गोपनीयता है। भारत की बैंकों में रखेंगे तो इनकम टैक्स वाले पकड़ेंगे, जवाब देना पड़ेगा, इसलिए विदेशी बैंकों में रखते हैं। और मैंने देखा है कि जब ये नेता चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ते समय वो भरना पड़ता है ना नामांकन पत्र, तो उस समय बताना पड़ता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, क्या क्या है। तो इतने बेईमान और झूठे नेता हैं, कहते हैं हमारे पास तो घर नहीं है, हमारे पास तो कार भी नहीं है, हम तो बेकार हैं, माने बिना कार के हैं। कोई पार्टी का अध्यक्ष ये लिखता है अपने घोषणा पत्र में मेरे घर नहीं है, मेरे कार नहीं है, मेरे घर में मुश्किल से 20-25 हजार रुपए का कैश है और थोड़ी बहुत ज्वेलरी है, विश्वास करने को मन नहीं करता, और उनके स्विस बैंक खातों में लाखों करोड़ों रखा हुआ है। यहां आपको और मुझको उल्लू बनाने के लिए वो बोल देते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है,
कई कई नेताओं ने बोल रखा हम तो किराए के घर में रहते हैं, कुछ नहीं है हमारे। और इन्हीं बेईमान नेताओं ने लूट लूट के तिजोरियां भर के रखी। इस विषय पर हम लोगों ने अभी गंभीरता से काम शुरू किया कि नेता कितना लूट रहे हैं, कहां जा रहा है। तो जब हमने खोज खबर की तो पता चला स्विस बैंक में जाके जमा हो रहा है पैसा, स्विट्जरलैंड में बैंकें हैं, जैसे अपने देश में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह वगैरह, ऐसे ही स्विट्जरलैंड में कुछ बैंकें हैं, बैंक ऑफ ज्यूरिख, बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसे करके 36 बैंकें हैं उस देश में। उन सभी बैंकों का एक संगठन है, स्विस बैंक एसोसिएशन उसका नाम है। उस संगठन ने बताया कि भारत के नेताओं ने और अधिकारियों ने जो धन भारत से लूट कर उनके यहाँ जमा कर रखा है वो 1,500 अरब डॉलर है, 1,500 अरब। इसको अगर हिंदी में निकालें तो ये निकलता है 75 लाख करोड़ रुपए। एक डॉलर में 50 रुपए हैं और 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, तो 1,500 × 100 × 50 75 लाख करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम लूट कर नेताओं ने विदेशी बैंकों में रखी है। थोड़े दिन बाद और एक जानकारी मिली कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में तो 75 लाख करोड़ है, स्विट्जरलैंड के अलावा दूसरे कई देशों की बैंकों में और 35 लाख करोड़ जमा है, 110 लाख करोड़ रुपए 62 साल में लूट लिया इन्होंने। अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा, इन काले अंग्रेजों ने 62 साल में 110 लाख करोड़ लूट लिया। और रख लिया अपने नाम से। अब हमारे दिल में दर्द ये है कि ये लूट अगर ऐसे ही चलेगी, टैक्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके ये नेता ऐसे ही लूटते रहेंगे, तो ये देश तो रसातल में चला जाएगा। अब हमको समझ में आ रहा है, अंग्रेज लूटते थे तो ये देश गरीब हुआ, अब काले अंग्रेज और ज्यादा लूट रहे हैं तो और ज्यादा गरीब हो रहा है ये देश। तब हमारे मन में ये संकल्प आया कि इस लूट की व्यवस्था को तो बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। ज्यादा गरीबी जब आ जाती है ना किसी देश में तो उस देश की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। गरीब देशों को दुनिया में कोई सलाम नहीं करता, गरीब देशों की कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। आप अपने मोहल्ले और गांव में देखो, जो जितना ज्यादा गरीब है उतनी ही गालियां खाता है वो दूसरों की। तो भारत के बारे में भी यही है, दुनिया भर के देश हमको गालियां देते और बेईमानी, हमारी बेइज्जती करते रहते, हमको चुपचाप सहन करना पड़ता। तो अब ज्यादा दिन तो इसको अब हम नहीं चलने दे सकते, ये गरीबी की तरफ धकेल नहीं सकते इस देश को। इस देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल किसी को तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा, किसी को तो इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये भारत स्वाभिमान नाम का संगठन बनाया। आप बोलेंगे जी क्या करना चाहते हैं इस भारत स्वाभिमान संगठन की मदद से? सबसे पहला काम हम यही करना चाहते हैं कि जैसे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा था, उस लूट की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। दो तरीके से समाप्त करना चाहते हैं। एक तो ये कि आगे भविष्य में ये देश की लूट बंद हो और अब तक जितना लूट गया ये देश वो सारा धन विदेशों से भारत में वापस आए और इस देश के विकास के काम में लगे। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? हाँ ये संभव है। क्यों?
मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहता हूं कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता, हर काम संभव होता है। करने वाले लोगों में संकल्प कितना बड़ा है महत्व इस बात का होता है। अगर हमारा संकल्प बड़ा है हर काम हम कर सकते हैं, लेकिन संकल्प कमजोर है तो कुछ नहीं कर सकते। इतिहास में ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। हमारे क्रांतिकारियों का संकल्प बड़ा था ना, तभी तो अंग्रेजों को मार के भगा दिया इस देश में से। एक बार हारने के बाद भी 1857 में पहले जीते, फिर अंग्रेजों ने मार के पीट के हमें खत्म किया, फिर दोबारा हम खड़े हुए। ऐसा नहीं कि लड़ाई बंद हो गई, बस अंतर इतना आया कि नाना साहब पेशवा, तांत्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, ये सब शहीद हो गए। तो इसके बाद फिर लोकमान्य तिलक निकले, चाफेकर बंधु निकले, वासुदेव बलवंत फड़के निकले, भगत सिंह, ऊधम सिंह निकले, महात्मा गांधी निकले। इन्होंने फिर देश की आजादी की कमान अपने हाथ में संभाली। लड़ाई बंद नहीं हुई, वो चलती रही। और हमने उन अंग्रेजों को भारत से भगाया जिनका साम्राज्य दुनिया के 50 देशों में था। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज्य में सूरज नहीं डूबता था, इतने बड़े इलाके में दुनिया में शासन था। उनको मार के भगा दिया, तो हम इन काले अंग्रेजों को भी मार के भगा सकते हैं। संगठन बनाया हम। आप बोलेंगे कैसे होगा? इस काम के लिए हमने बहुत बहुत चिंतन, मनन, शोध किया और उसमें से रास्ते निकाले। हम सबसे पहला काम ये करना चाहते हैं कि काले अंग्रेजों ने जो धन लूट लिया, नेता और अधिकारियों ने, वो वापस लाना है, ताकि देश का विकास का काम हम कर सकें उस पैसे से। और वो पैसा हमारा है, आपका है। टैक्स आपने दिया, टैक्स मैंने दिया, वो हमारे पास होना चाहिए। पहला कदम है कि ये पैसा वापस आना चाहिए। आप बोलेंगे कैसे आएगा? इसके चार रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि भारत की संसद से हम एक कानून बनवाना चाहते। ये संसद कानून बनाने के लिए है, रोज रोज ये कानून बनाती रहती है। लाखों कानून इसने बनाए हैं, फालतू के, बेकार के, जो किसी काम के नहीं है। हम एक कानून बनाना चाहते हैं संसद से, वो ये कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का जो भी धन लूट कर विदेशी बैंकों में रखा गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। ये कानून हम बनाना चाहते। आप बोलेंगे इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये है कि विदेशी बैंकों में हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति नहीं रखी जा सकती। विदेशी बैंकों में हमारे देश की निजी संपत्ति तो कोई रख सकता है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, वो दुनिया के किसी भी बैंक में रख सकता है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय संपत्ति तो भारत के राष्ट्रीय बैंकों में ही रखी जा सकती है। ये है व्यवस्था। हमारी राष्ट्रीय बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सारा धन रिजर्व बैंक में होना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय बैंक कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक। तो धन इसमें होना चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक, कनाडा बैंक। तो भारत की बैंकों में ही भारत का राष्ट्रीय धन रखा जा सकता है, विदेशी बैंकों में नहीं। तो हम कानून बनवाना चाहते हैं, वो ये कि जितना धन विदेशी बैंकों में है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। जैसे ये कानून बनेगा वो सारा धन विदेशों से आकर भारत की बैंकों में जमा हो जाएगा। तो आप पूछेंगे ये कानून कैसे बनेगा? संसद से बनेगा। इसके लिए संसद में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं इस समय। भारत के जितने सांसद हैं ना, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो भारत स्वाभिमान के अध्यक्ष हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने चुनाव के पहले सभी पार्टियों को एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने कहा कि भारत के ये जो धन की व्यवस्था है विदेशों से लाकर यहाँ रखो। तो सभी पार्टियों ने उस पत्र का जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको ले आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम भी ले आएंगे। शरद यादव ने कहा हमारी सरकार बनी तो हम भी ले आएंगे। सबने कहा, स्वामी जी के पत्र का ऐसा उत्तर दिया। तो अब सरकार बन गई राहुल गांधी की।
तो अब स्वामी जी ने राहुल गांधी को कहा कि लेके आओ, बोला था आपने, प्रधानमंत्री ने भी कहा था, मनमोहन सिंह ने, तो अभी हम उनसे कह रहे हैं कि लेके आओ, तो वो कह रहे हैं हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ठीक है कर लो बात, कर लो कोशिश कर लो, नहीं लाए तो उसके बाद हम दूसरी व्यवस्था करेंगे। दूसरी व्यवस्था क्या करेंगे, हम हिंदुस्तान की संसद को बदल देंगे। और संसद को बदल देने का मतलब है कि हिंदुस्तान की संसद में सारे नए सांसदों को चुनकर लाएंगे, जो ये धन वापस लाने के लिए कानून बनाएंगे। ये हमारी तैयारी है, और ये तैयारी ऐसी है, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने कहा है कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन इस देश की सत्ता व्यवस्था में मुझे वो ईमानदार, चरित्रवान, राष्ट्रभक्त लोग चाहिए जो इस देश के धन को विदेशी बैंकों से लाकर वापस इस देश में जमा कराए। उसके लिए हमारी तैयारी है, ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर हम सांसद बनाएंगे जो इस काम को करवाएं, और कानून बनेगा, ये धन आएगा। हमें उम्मीद है कि हो सकता है यही संसद से हो जाए, क्योंकि प्रस्ताव की कोशिश हो रही है और किसी दिन ये प्रस्ताव संसद में आ सकता है। आपको सूचना उसकी अखबारों से मिल जाएगी, टीवी से मिल जाएगी। जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा तो बहस होगी, आप बहस जरूर देखना उस दिन, और उसमें ये देखना कि कौन कौन नेता इसका विरोध कर रहा है, ये देखना। जो विरोध करेगा, पक्की बात है हरामी वही है, और पैसे उसी के हैं, नहीं तो विरोध क्यों करेगा। हमारी तैयारी यह है कि जो भी विरोध करेंगे उनके नाम, पते, फोन नंबर सब नोट करके उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर हम उनकी पोल खोलेंगे। और चुनाव क्षेत्र में जब हम उनकी पोल खोलेंगे तो लोगों को कहेंगे कि ऐसे बेईमान आदमी को आपने चुनकर भेजा, इसको वापस बुलाओ, कान पकड़ के दूसरे को भेजो, तो लोग सुनेंगे हमारी बात, लोग तो तैयार बैठे हैं इस काम के। तो ये पैसा संसद की मदद से लाना, यही संसद करे अच्छा है, नहीं तो नई संसद बनाएंगे। दूसरा एक रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट की मदद से भी ये पैसा आ सकता है। एक बार क्या हुआ था, इस देश में एक घोटाला हुआ, उसका नाम था यूरिया घोटाला, याद है आपको, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसकी जांच हुई थी, तो जांच में ये पता चला कि यूरिया घोटाले में 133 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, यूरिया का एक दाना नहीं आया। तो कोर्ट ने जांच कराई, पैसा कहाँ गया, तो वो एक नेता के खाते में जमा हो गया। वो नेता कौन था, नरसिम्हा राव का बेटा, स्विस बैंक में जमा हो गया पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो पैसा है वो नरसिम्हा राव के बेटे का नहीं है, ये तो राष्ट्र का पैसा है, इसलिए जिसने ये खाता खोला उसको गिरफ्तार करो और पैसे वापस लाओ। तो नरसिम्हा राव का बेटा गिरफ्तार हुआ, उसको जेल में डाल दिया गया, अभी भी जेल में है। और खाते में जितना पैसा था वो सब वापस आ गया। तो हम सुप्रीम कोर्ट को इतना ही कहना चाहते हैं कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है। यूरिया घोटाले का आ सकता है तो बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है, यूरिया घोटाले का आ सकता है तो किसी भी घोटाले का पैसा आ सकता है, घोटाले सब एक जैसे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट बात मान ले और पैसा आ जाए। तीसरा और एक रास्ता है अपने पास, अंतरराष्ट्रीय अदालत में हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। बहुत बेईमान देश है ये, बेईमानी पता है क्या करता है,
हमारा पैसा जो स्विस बैंकों में जमा होता है उस पर स्विट्जरलैंड ब्याज नहीं देता हमको, 1% ब्याज नहीं मिलती। जो जमा करने वाले हैं उनसे उल्टा सर्विस चार्ज ले लेते, और हमारे ये मूर्ख नेता वहां पैसा जमा कर देते हैं, फिर स्विट्जरलैंड की सरकार क्या करती है, वो पैसा दूसरे देशों को कर्जे में दे देती है और उस कर्जे पर ब्याज लेके अपने देश को चलाते हैं। इतने बेईमान लोग, उनकी इस बेईमानी के खिलाफ हम केस कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जब हम केस करेंगे तो हमारे जैसे 50 देश और तैयार हैं करने को, क्योंकि उनके भी पैसे उनके यहां पड़े, उसके माध्यम से पैसा ला सकते हैं। और एक आखिरी तरीका है पैसा लाने का, हम स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके भी पैसा ला सकते हैं। है कितना बड़ा देश, छोटा सा, हमारे एक जिले के बराबर का तो देश है। उनकी जो कुल आबादी है वो हमारे एक जिले की आबादी है। उनके पास सेना नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवल फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, आर्मी नहीं है, थोड़ी बहुत पुलिस है। तो दादागिरी करें तो सरेंडर कर देगा, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं कि सारे भारतवासी 115 करोड़ खड़े होकर मूत देंगे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा। क्या मुश्किल है इसमें। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने ऐसा किया, स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके अमेरिका ने अपना सारा पैसा निकाल लिया। अमेरिका में एक राष्ट्रपति आया, उसका नाम है बराक ओबामा, बहुत धाकड़ आदमी। अमेरिका के 250 साल के इतिहास में पहला राष्ट्रपति है जो काला है, और अमेरिका गोरा देश है। अमेरिका में जो वोट है ना, गोरे लोगों के वोट हैं 85%, काले लोगों के वोट हैं 15%, फिर भी एक काला आदमी राष्ट्रपति बन गया। कैसे? गोरे लोगों ने वोट दिया उसको। क्यों दिया? क्योंकि उसने लोगों से वायदा किया था कि मुझे आप राष्ट्रपति बनाओ, मैं स्विट्जरलैंड की बैंकों में जो भ्रष्ट नेताओं का पैसा है अमेरिका का वो वापस लाऊंगा। लोगों ने जबरदस्त वोट दिया, क्योंकि आज तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने ये बात नहीं की थी। और कैसे लोगों ने वोट दिया? हिलेरी क्लिंटन उसके सामने थी, आपको मालूम है, वो उसी देश की है और गोरी है, उसको लोगों ने हरा के बराक ओबामा को जिताया, जिसका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है, जिसका बाप अमेरिकन नहीं था, विदेशी है वो अमेरिका के लिए, कीनिया का है, आधा मुसलमान आधा क्रिश्चियन, पूरा क्रिश्चियन भी नहीं है, फिर भी लोगों ने जिता दिया उसको, इसलिए कि उसने वायदा किया और वायदा निभाया। उसने जीतने के बाद उसने पहला कानून यही बनाया अमरीकी संसद में कि जितना धन अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं का स्विस बैंक में वो वापस आना चाहिए। तो स्विट्जरलैंड ने पहले थोड़ा नानुकुर किया, उसने उसको दादागिरी से धमकी दे दी, तुरंत स्विट्जरलैंड की सरकार झुक गई और अमेरिका के 4,490 नेताओं का जितना धन था वो सब उन्होंने निकाल के वापस दे दिया। 470 अरब डॉलर मिला बराक ओबामा को स्विट्जरलैंड से। तो मेरा यह कहना है कि अगर अमेरिका कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। बस इतनी ही देर है कि अमेरिका को बराक ओबामा मिल गया है, हमको थोड़े दिन में कोई बराक ओबामा मिल जाएगा इस देश में। ये धन तो आएगा, इसको तो लाएंगे हम, किसी भी कीमत पे लाएंगे। इसी के लिए तो ये संगठन खड़ा किया, भारत स्वाभिमान। अब इस धन को लाके करना क्या है? इस धन को लाकर भारत के गांव का विकास करना है, जो आज तक नहीं हुआ। शहरों में तो थोड़ा बहुत विकास हुआ है, गांव में तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए गांव उजड़ते जा रहे हैं और गांव के लोग उजड़ उजड़ कर शहर में आते जा रहे हैं। अब दुख मुझे ये होता है कि गांव से उजड़कर जो शहर में आ जाते हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों में अपनी जिंदगी बिताते हैं, सारी जिंदगी उनकी बेईमानी है।
मैंने मुंबई में देखा, धारावी की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ी में लाखों लोग रहते हैं जो गांव से उजड़ कर आए। बड़े बड़े शहरों में, भोपाल है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है, बेंगलोर है, वहाँ 65% लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। आप सोचिए 65%, ये दृश्य देखने लायक नहीं। ऐसे स्थान पर 65% लोग रहते हैं जहां आप एक मिनट खड़े नहीं रह सकते, इतनी गंदगी है वहां लोग रहते। मैंने लोगों को देखा है फुटपाथ पर रहते हुए शहरों में, मैंने लोगों को देखा है सीमेंट के पाइप में रहते हुए शहरों में। ये दृश्य देखने लायक नहीं है। ये क्यों है? गांव में रोजगार के साधन नहीं, उद्योग नहीं, व्यापार नहीं, तो गांव से लोग भागते हैं शहरों के लिए। हम चाहते हैं कि ये जो पैसा वापस आए स्विट्जरलैंड का, विदेशी बैंकों का 110 लाख करोड़, ये भारत के एक एक गांव में खर्च किया जाए उद्योग के लिए, व्यापार के लिए। अब लगभग 6,38,000 जो गांव हैं, हर गांव में हमें उद्योग लगाना चाहते हैं इस पैसे से। आप बोलेंगे कौन कौन से उद्योग गांव में लग सकते हैं? 100 से ज्यादा उद्योग हैं जो गांव में चल सकते हैं, 100। क्या क्या उद्योग? हमारे भारत में 2 लाख से ज्यादा गांव हैं जहां कपास पैदा होती है, रुई, और जहां कपास होती है वहां चरखा चला के सूत बना सकते हैं, जहां सूत बन सकता है वहां सूती कपड़ा भी बन सकता है, खादी का कपड़ा बन सकता है। तो 2 लाख गांव में कपड़े बनाने का उद्योग चल सकता है, चरखा चलाने का, सूत बनाने का, सूत से कपड़ा बुनने का, और ये खादी पहनने का, हम पहनेंगे वो बनाएंगे। इसी तरह से हमारे भारत में 90,000 गांव हैं जहां सरसों पैदा होती है, तिलहन पैदा होता है, नारियल पैदा होता है। तो जहां तिल है, जहां सरसों है, जहां नारियल है, वहां तेल निकाला जा सकता है। तो तेल निकालने के छोटे छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं। एक जमाना था ना, बैल की मदद से कोल्हू में तेल निकाला जाता था, वो अभी भी हो सकता है। अभी हम शहरों में तेल खरीद के खाते हैं, वो मशीन से निकलता, वो रिफाइंड तेल और डबल रिफाइंड तेल शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि ये जो शहरों का तेल है ना, इसमें मिलावट बहुत है, शुद्ध तेल नहीं मिलता आपको खाने को, बहुत मिलावट है। और उसमें जो तेल मिला देते हैं वो पामोलिन तेल है, और पामोलिन तेल खाओ तो कभी हजम नहीं होता, और उसी के कारण लोगों का हार्ट अटैक पड़ता है, हृदयघात होता है, लोग मर जाते हैं। हम चाहते हैं कि शुद्ध तेल गांव गांव में बने और डब्बा बंद होके शहर में आके बिके, और शुद्ध तेल तो निकलेगा वो कोल्हू से, मशीन से नहीं निकल सकता, क्योंकि मशीन में गति बहुत होती है, उस गति में तेल निकलेगा तो तेल का जो प्रोटीन है वो कम हो जाता है, पोषकता जल जाती है, इसलिए धीरे 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 तेल निकलना चाहिए कोल्हू से, वो तेल पौष्टिक होता है, शुद्ध होता है। और हजारों साल हमारे पुरखे वही तेल खाते थे, किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था, हजारों साल हमारे पुरखे वही तेल खाते थे और कंधे पे 50-50 किलो का बोरा लेकर 10-10 मील चले जाते, ताकत थी इतनी, क्योंकि शुद्ध तेल खाते। अब हम तेल नहीं खाते हैं, मिले हुए तेल को खाते हैं, और ताकत इतनी भी नहीं है कि 10 किलो की बाल्टी उठा सकें, कमर लचक जाती है उतने में, थोड़ा पैदल चलें तो पांव थक जाते हैं हमारे। तेल की ताकत है धीरे धीरे निकाले जाने में। तो गांव गांव हम ये उद्योग चला सकते हैं, शहरों में बिक सकता है। 56,000 करोड़ का तेल का बाजार है पूरे देश में, इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता। फिर ऐसे ही भारत के हजारों गांव हैं वहां आलू पैदा होता है, और आलू का चिप्स बना सकते हैं गांव गांव, और वो चिप्स शहरों में बिक सकता है। अभी शहरों में कुछ कंपनियां चिप्स बना के बेचती हैं, उनका चिप्स 15 रुपए का पैकेट है और 15 ग्राम चिप्स निकलता है उसमें, 1,000 रुपए किलो वो बेचते हैं, तो हम 100 रुपए किलो बेच सकते हैं गांव का चिप्स। और गांव की सभी माताएं बहनें चिप्स बना सकती हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी आती है। ऐसे ही गांव गांव में जानवर हम पालते हैं,
तो उनका दूध होता है, दूध से दही बना के मक्खन निकाल सकते हैं, मक्खन का उद्योग गाँव में चल सकता है और देशी घी का उद्योग भी गाँव में चल सकता है। ऐसे इस देश में हजारों गाँव में टमाटर पैदा होता है, तो टमाटर का सॉस गाँव गाँव में बन सकता है, शहर में आके बिक सकता है। टमाटर तो 12 रुपए किलो बिकता है, टमाटर का सॉस 200 रुपए किलो बिकता है। तो हम किसानों को कहेंगे टमाटर क्यों बेच रहे हो, सबकी चटनी बनाओ और सॉस बेचो ना 200 रुपए किलो। आलू क्यों बेच रहे हो, आलू का चिप्स बना के बेचो ना, मुनाफा तो उसमें। ऐसे ही भारत के लाखों गांव हैं जहां पे गेहूं पैदा होता है, जहां गेहूं होता है वहां गेहूं का आटा बन सकता है, आटा पैकेट में बना के शहरों में लाके बिक सकता है। गेहूं बिकता है 11 रुपए किलो, आटा बिकता है 26 रुपए किलो, हम गेहूं क्यों बेचें, हम तो गेहूं का आटा बना के बेचेंगे, उसका उद्योग चल सकता है। तो ऐसे एक दिन मैंने सोचा और सूची बनाई, 100 से ज्यादा उद्योग हर गांव में चल सकते हैं। आंवला पैदा होता है गांव गांव में, मुरब्बा सब गांव में बना के हम शहरों में बेच सकते हैं, आम पैदा होता है गांव में, आम का अचार गांव गांव बना के शहरों में बिक सकता है, सब कुछ ये हो सकता है। और हमने इसका हिसाब निकाला कि 60 करोड़ भारतवासियों को रोजगार गांव गांव में हम दे सकते हैं, ये स्विस बैंक से लाए हुए पैसे का उपयोग करके। और ये उद्योग और व्यापार करने के बाद भी पैसे बचने वाले बहुत, थोड़े से में ये काम हो जाएगा। जो बचे पैसे हैं फिर हम ये सोच रहे हैं कि उससे बिजली की व्यवस्था करेंगे हर गांव में, और छोटे छोटे बिजली घर बनाएंगे, 1 मेगावाट के, 2 मेगावाट के। 1 मेगावाट का बिजली घर बनाने में 4.5 करोड़ का खर्चा है, तो 1 लाख बिजली घर अगर पूरे देश में लगा दिए जाएं, तो 4.5 लाख करोड़ के खर्चे में हर गाँव के हर घर को बिजली मिल जाएगी शरीर का, तो सारे गांव को बिजली देनी। 10-10 गांव के छोटे समूह बनाकर एक बिजली घर 10 गांव की बिजली पूर्ति कर सकता है, ऐसे लाख बिजली घर 4.5 लाख करोड़ में बन सकते हैं। और इसका एक बड़ा फायदा है, अभी जो हमने बिजली घर बनाए हैं ये बड़े हैं, 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 2000 मेगावाट, ये बड़े बिजली घरों की एक समस्या है, वहां जो बिजली पैदा होती है बहुत हाई वोल्टेज की है, 11000 वोल्ट की बिजली पैदा होती है। अब हम जो बिजली जलाते हैं ये 220 वोल्ट की है, और बिजली घर में पैदा होती है 11000 वोल्ट, तो 11000 वोल्ट की बिजली वहां से जब चलती है तो आपके घर तक लाते लाते उसको 220 वोल्ट में बदलना पड़ता है, उतनी बिजली को फालतू जलाना पड़ता है, बेकार हो जाती है, 35% बिजली हमारी ऐसे बेकार होती है। तो हम इसकी व्यवस्था क्या करना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि छोटे बिजली घर बनाओ, उसमें 220 वोल्ट की ही बिजली पैदा करो और उसी का खर्चा गांव गांव में कर लो, बेकार नहीं करनी पड़ेगी बिजली। और जो बड़े बिजली घर की बिजली है ये कार को दे दो, रेल चलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लो, छोटे बिजली घर की बिजली घरों के लिए ले लो, सबको बिजली हो जाएगी, 1 मिनट बिजली नहीं जाएगी इस देश में, ऐसी व्यवस्था, कभी जाएगी तो सेकंड्स के लिए जाएगी, ऐसी व्यवस्था। फिर हम चाहते हैं कि हर गांव में सड़क बन जाए, फिर हम चाहते हैं कि हर गांव में स्कूल हो जाए, कॉलेज हो जाए, विद्यालय हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, फिर हम चाहते हैं हर गांव में डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, सब तरह की दवाएं हो। ये सब करने करने के बाद 50 लाख करोड़ खर्च होता है, बस 50 लाख करोड़ का खर्च करके इस देश के हर गांव को स्वर्ग बना सकते हैं। और 50 लाख करोड़ खर्च करने के बाद ये सोचना पड़ेगा अब क्या करें, क्योंकि करने को कुछ बचेगा ही नहीं। तो 60 लाख करोड़ रुपए बचा, क्योंकि 110 लाख करोड़ कुल है, तो वो 60 लाख करोड़ को हम चाहते हैं कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दें, तो उसका हर साल का 10% ब्याज आएगा, तो 6 लाख करोड़ रुपए तो ब्याज का आ जाएगा। इसी 6 लाख करोड़ के ब्याज से देश का बजट बना सकते हैं, लोगों से एक भी पैसा टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
और सारे देश को जीरो टैक्स। हम इस देश में इनकम टैक्स खत्म करेंगे, सेंट्रल एक्साइज टैक्स खत्म करेंगे, सारे टैक्स खत्म करेंगे, 64 तरह के टैक्स खत्म करेंगे। टैक्स खत्म होने से क्या होगा? महंगाई कम हो जाएगी, हर चीज सस्ती हो जाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अगर सब टैक्स खत्म कर दिए जाएं तो 1 लीटर पेट्रोल 12 रुपए का मिलेगा, अभी 50 रुपए का है। 1 लीटर डीजल 7.5 रुपए का मिलेगा, अभी 35 रुपए का। 1 रसोई गैस का सिलेंडर 45 रुपए में मिलेगा, अभी 450 रुपए का है। 1 किलो चीनी 8 या 9 रुपए में मिलेगी, अभी 1 किलो चीनी 32 रुपए की है। 1 किलो दाल 10-12 रुपए में मिलेगी, अभी 90 रुपए की है। हर चीज सस्ती हो। एक पेन जो आप 10 रुपए का खरीदते हैं ना, ये 1.5-2 रुपए का मिलेगा। एक ये जो घड़ी आपके हाथ में है ना, 500-700 रुपए की, ये 70 रुपए में मिल जाएगी। सीमेंट आप खरीदते हैं ना बाजार से, एक बोरा 50 किलो का 246 रुपए का, वो 76 रुपए का मिलेगा। लोहा जो आप खरीदते हैं ना 50 रुपए किलो, वो 12 रुपए किलो मिलेगा। ट्रैक्टर खरीदते हैं ना 5 लाख रुपए का, वो 1,80,000 का मिलेगा। मारुति कार खरीदते हैं ना 3.25 लाख की, वो 1.5 लाख में मिल जाएगी टैक्स खत्म होने के बाद। आपके लड़के या लड़की को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करानी हो, 5 साल की पढ़ाई 25,000 में हो जाएगी, जो अभी 5 लाख में होती है टैक्स खत्म होने के बाद। हर चीज सस्ती, और जब चीजें सस्ती हो जाएंगी तो गरीब आदमी को भी जिंदगी चलाना आसान हो जाएगा। अभी तो अमीरों को भी जिंदगी चलाना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि पहले 5,000 रुपए महीने में घर का खर्च चलता था। मेरे पिताजी मुझे बताते हैं, वो सरकारी कर्मचारी जब बने थे, पहली बार उनको तनख्वाह मिली 250 रुपए, तो कहते हैं वो 250 रुपए में महीने का सारा खर्च निकालने के बाद भी 2 तोले सोना खरीदा था उन्होंने। और वो कहते हैं हर महीने 2 तोले सोना खरीद लें, इतना पैसा बचता था। अब 20,000 रुपए में 2 तोले सोना आता है, और 20,000 रुपए में घर का खर्च करो तो 15,000 खर्च हो जाता है, 5,000 में 1 तोले भी नहीं आता। महंगाई इतनी बढ़ गई है इस देश, इसको कम करना है, गरीब आदमी की जिंदगी बिताना आसान होना चाहिए, और ये टैक्स व्यवस्था खत्म करके ही हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। फिर हम एक काम और कराना चाहते हैं कि भारत देश को अगर कभी जरूरत पड़ गई पैसे की, ये तो 6.25 लाख करोड़ आएगा से ब्याज से, अचानक से कभी युद्ध हो गया, विदेशियों ने हमला कर दिया, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो कहां से आएगा? तो हमें लगता है कि दान में हम इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस देश के लोग दान बहुत देते हैं, टैक्स नहीं देते। मैं इस देश में ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो हर दिन 1 लाख रुपए दान देते हैं और इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप इनकम टैक्स तो चुराते हो, दान में 1 लाख क्यों दे देते हो, तो वो कहते हैं भारत में संस्कृति की परंपरा है, कुपात्रों को दान नहीं दिया जाता। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट महाकुपात्र है, इसको हम नहीं दे सकते। दान में हम करोड़ों दे सकते। आपको याद है कारगिल युद्ध हुआ तो लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए एक दिन में दान दिया। गुजरात में भूकंप आया तो लोगों ने दान दिया। अभी बिहार में बाढ़ आई तो लोगों ने दान दिया। हम तो दान वीर हैं, टैक्स वीर नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखे भामाशाह थे, वो दान दिया करते थे। तो दान मांग लेंगे, खुले हाम मांगेंगे लोगों से, भाई देश को पैसे की जरूरत है दो, तो मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा मिलेगा। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था
कि हर आदमी चाय के एक प्याले के बराबर का धन अगर दान में दे दे तो इनकम टैक्स से 3 गुना ज्यादा इकट्ठा होता है। तो दान में मांगेंगे अगर जरूरत पड़ेगी पैसे की, वैसे तो पड़ेगी नहीं, पड़ेगी तो दान में मांगेंगे। और जब सब टैक्स खत्म हो जाएंगे तो लोग कहेंगे भाई दान में ले लो, क्या मुश्किल है, सब देंगे, कोई तकलीफ नहीं। ऐसी व्यवस्था हम चलाना चाहते हैं इस देश। और एक काम हम करना चाहते हैं वो ये कि अभी अपने देश में पाकिस्तान नाम का जो हमारा पड़ोसी है ये बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। इसने एक नया काम शुरू किया है, जाली नोट छाप छाप के भारत में भेजता है पाकिस्तान। हर दिन आप अखबार पढ़ते हैं जाली नोट पकड़े गए। अभी हमारे देश में कुल जितने नोट हैं उसका 15-20% जाली हो गए। और ये पाकिस्तानी एजेंट जब पकड़े जाते हैं ना जाली नोट के साथ, तो पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो उसमें 1000 रुपए के नोट निकलते हैं, 500-100 के जाली निकलते हैं, 50 रुपए का नोट नहीं निकलता कभी, 20 का नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? बात ऐसी है कि पाकिस्तान अगर 50 रुपए का जाली नोट बनाए और उसको भारत भिजवाए तो हर एक नोट के बनाने और भिजवाने पे 55 रुपए खर्च हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान 50 रुपए का जाली नोट नहीं बनाता। 20 का नोट बनाए और भारत में भिजवाए तो 25 रुपए खर्च हो जाता है। 10 का नोट बनाए और भिजवाए तो 15 खर्च हो जाता है। तो छोटे नोटों में पाकिस्तान का घाटा है। तो हम चाहते हैं कि सारे बड़े नोट बंद कर दो, इस देश में हटा दो, 1000 का नोट खत्म कर दो, 500 का खत्म कर दो, 100 का खत्म कर दो, 50 का नोट रखो, 20 का रखो, 10 का रखो, 5 का रखो, 1 का रखो। और वैसे भी इस देश में 84 करोड़ लोग हैं जो एक दिन में 20 ही रुपया खर्च कर पाते हैं, तो उनको 1000 की जरूरत क्या, वो तो 20 रुपए से काम चला लेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारे बड़े नोट बंद। इसके दो फायदे हैं कि पाकिस्तान के सारी साजिश नाकाम हो जाएगी क्योंकि वो छोटे नोट डाल ही नहीं पाएंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा, ये घूसखोर और रिश्वतखोर लोग हैं, ये रिश्वत नहीं दे पाएंगे। अभी तो 10 करोड़ की रिश्वत देनी हो तो एक ब्रीफ केस में 1000 के नोट भर के ले जाते हैं, फिर 10 करोड़ की रिश्वत देनी पड़ी और नोट 50 से ऊपर का है ही नहीं, तो ट्रक भर के ले जाना पड़ेगा। और कौन माई का लाल है जो ट्रक भर के घर में लाएगा, रखेगा कहां, देखें हम उसको। तो घूसखोरी रिश्वतखोरी कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा मोर्चा मजबूत हो जाएगा। ऐसे कुछ काम हम करना चाहते हैं इस देश में। और एक दो काम करना चाहते हैं इस देश में। अभी भारत देश में अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून है, हम ये सब कानून हटाना चाहते हैं और आज की जरूरत के हिसाब से नए कानून बनाना चाहते हैं। अंग्रेजों के कानून कितना अत्याचार कर रहे हैं एक उदाहरण से बताता हूँ। एक कानून है IPC, इंडियन पिनल कोड, एक है CPC और एक CRPC, इसके आधार पर मुकदमेबाजी चलती रहती है। इन कानूनों के चक्कर में 3.5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं अदालतों में जिनका फैसला नहीं आ रहा है, क्योंकि कानून ऐसे हैं कि फैसला जल्दी आ ही नहीं सकता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती जाती है, फैसले नहीं आते। मैंने एक भारत के मुख्य न्यायाधीश को पूछा था कि ये 3.5 करोड़ मुकदमों का फैसला कितने दिन में आ जाएगा, तो उन्होंने कहा 300 साल में आएगा। अब 300 साल तक ना तो वादी जिंदा रहेगा ना प्रतिवादी जिंदा रहेगा, दोनों ही मर लेंगे, तो मुकदमे का फैसला आया तो फायदा क्या। हमें मुकदमों का फैसला जल्दी से जल्दी होने वाले कानून चाहिए। आप बोलेंगे ऐसा संभव है, मैं एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ आपको। भारत में एक राजा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बहुत न्यायप्रिय राजा था। एक बार उसकी अदालत में एक मुकदमा आया और मुकदमा क्या था, 2 माताएं थीं और 1 बेटा था। एक माँ कहती थी मेरा बेटा, दूसरी माँ कहती थी मेरा बेटा है, झगड़ा हो रहा था दोनों में। राजा के पास मुकदमा आया, राजा ने कहा तलवार लाओ, बेटे को आधा आधा काटो, आधा एक माँ को दे दो, आधा दूसरी माँ को दे दो।
तो जैसे ही तलवार आई तो असली माँ चिल्लाने लगी, नहीं नहीं काटो मत, लगे तो पूरा दूसरी माँ को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। तो राजा समझ गया ये असली माँ है और ये नकली है। तो नकली माँ से बेटा छीनकर असली माँ को राजा ने दे दिया। पूरे मुकदमे का फैसला 2 मिनट में हो गया। ये था भारत का न्याय। अब मैं आपको बोलता हूं कि इसी मुकदमे को आप आईपीसी में ले आओ, इंडियन पिनल कोड में, सीआरपीसी में ले आओ, सीपीसी में ले आओ, 50 साल फैसला नहीं हो पाएगा असली माँ कौन है नकली माँ कौन। हो सकता है दोनों माताएं मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाएं, बच्चा भी जवान होके मर जाए, लेकिन फैसला नहीं आएगा, मुकदमा चलता ही रहेगा। ये अंग्रेजी कानून है, ये व्यवस्था हमें हटानी है, स्वदेशी कानून इस देश में लाने जो तत्काल न्याय करे, ये हम करना चाहते हैं। और एक काम हम करना चाहते हैं, इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है ये अंग्रेजों के जमाने की है, इसमें बदलाव होना बहुत जरूरी है। एक अंग्रेज आया, उसका नाम था मैकॉले, उसने ये शिक्षा व्यवस्था बनाई क्योंकि हमें गुलाम रखना था, तो उसने थोप दिया हमारे ऊपर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हमारी नहीं है। इस शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जो दोष है वो ये कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो हमारी जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा, वो पढ़ रहे हैं। मैंने पढ़ाई की है और आज मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जितना पढ़ा है उसका 5% भी काम में नहीं आया, और मेरी तरह सबका यही हाल है। बहुत कुछ ऐसा पढ़ा जो काम का ही नहीं है। मैंने पढ़ाई की x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, पढ़ाते ना बच्चों को, मॉडर्न एलजेब्रा पढ़ाते, बहुत पढ़ा मैंने ये। अब मैं सोचता हूं कि इसका करूं क्या, मैं काम तो नहीं आया मेरे। एक बार मैंने मेरे गणित के अध्यापक को कहा कि आपने मुझे x प्लस वाई होल स्क्वायर पढ़ाया, खूब रटाया, मैंने रटा, इम्तहान में लिखा, 100 में से 99 नंबर भी लाया, लेकिन काम तो नहीं आया वो। तो टीचर कहता यार काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया, तो ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हो इस देश में, जो काम नहीं आ रहा उसको क्यों पढ़ा रहे हो, फालतू दिमाग खराब करने के लिए। इतना रद्दी रद्दी कुछ हमें पढ़ाया गया, काम का नहीं है। अच्छा, मुझे पढ़ाया गया बचपन में, शायद आपने भी पढ़ा होगा, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन होगा, कोई, मैं क्या करूं उसका, कोई होगा, ठीक है, क्या करूं, काम का तो नहीं है मेरे। वो मान लो मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, तो क्या होगा इससे, मैं सब्जी खरीदने गया और सब्जी वाले को मैंने कहा देखो मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो सब्जी देगा क्या। कोई एक काम मेरी जिंदगी का इससे हो जाए तो आप बताओ, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। अब मुझे दुख क्या है कि मेरी पढ़ाई में मुझे ये तो मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, लेकिन ये नहीं मालूम कि मेरे घर का पहला पिता कौन, मेरे कुल का पहला पिता कौन। मैं अपने पिता का नाम जानता हूं, उनके पिता का नाम जानता हूं, उसके आगे पीढ़ी के नाम ही नहीं मालूम। अब मेरे घर के पितामहों का नाम तो मालूम नहीं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम मालूम है, क्या मूर्खता है। जो मालूम होना चाहिए वो तो मालूम ही नहीं। ऐसी फालतू पढ़ाई से क्या फायदा। और एक उदाहरण देता हूं, बचपन में मुझे पढ़ाया गया कनाडा की जलवायु क्या है, होगी, क्या करूं, कनाडा की जलवायु है, ठंडी पड़ती है, बर्फ गिरती है, बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत बर्फ गिरती है, ये सब मुझे मालूम है, लेकिन करूं क्या, मेरे देश में तो बर्फ पड़ती नहीं, जहां मैं रहता हूं वहां इतनी ठंडी पड़ती नहीं। अब कनाडा की जलवायु रट के बैठा हूं, भोपाल की जलवायु मालूम नहीं है, सीहोर की मालूम नहीं है, देवास की मालूम नहीं है, काम तो ये भोपाल वाली आएगी, सीहोर वाली आएगी, देवास वाली आएगी, कनाडा की जलवायु क्या काम आएगी। ये काम तब आएगी जब मैं कनाडा जाऊं या कनाडा मेरे घर में आए, दोनों में से एक ही स्थिति में काम आएगा।
दोनों ही होने वाला नहीं है, ना कनाडा मेरे घर में आने वाला ना मैं कनाडा जाने वाला, क्योंकि वीजा नहीं मिलेगा। तो क्यों फालतू में पढ़ के बैठा मैं कनाडा की जलवायु क्या, ब्रिटेन की जलवायु क्या, फ्रांस की जलवायु क्या। हमने अंतरराष्ट्रीय ज्ञान तो बहुत ले रखा है और स्थानीय ज्ञान कुछ भी नहीं है हमको। अपनी नदियों के नाम नहीं मालूम, अपने तालाबों के नाम नहीं मालूम, अपने देश की जलवायु का पता नहीं, दुनिया भर का ज्ञान लेके फिरते हैं खोपड़े में, कुछ काम का नहीं है, बेकार है। मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि जो स्थानीय ज्ञान होता है, लोकल नॉलेज, जिंदगी में हर पल वही काम आता है, तो पढ़ाई में वही ज्ञान हमें मिलना चाहिए। फालतू पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो हम चाहते हैं कि नया पाठ्यक्रम बने, इसमें से फालतू हिस्सा सब हटा दिया जाए। कौन सा हिस्सा हटाया जाए? आप ईमानदारी से अपने अपने बारे में ये सोच के देखो कि जितना आपने पढ़ा उसमें से कितना याद है। आप कहेंगे 1% 2%, इसका माने उतना ही याद है जितना काम का है। दिमाग बाकी को याद रखता ही नहीं, तो वो 1-2% ही पढ़ो ना, फालतू 98% में दिमाग क्यों खराब करना। तो मैंने नया पाठ्यक्रम जब बनाना शुरू किया ना, तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी हम कक्षा 1 से 12 तक बच्चों को 12 साल में जितना पढ़ाते हैं, उसमें से काम का ज्ञान अगर पढ़ाना शुरू करें तो 2 साल में ही बच्चे सारा ज्ञान ले सकते हैं, फालतू सब हटा सकते। और 10 साल उनको कुछ ऐसा पढ़ाएं जो जिंदगी में काम आए, चिकित्सा का ज्ञान दें, व्यापार का ज्ञान दें, उद्योग का ज्ञान दें। हमारे बच्चों को छोटी छोटी बातें हम ध्यान से सिखाएं, समझ दें, फालतू क्यों सिखा रहे हैं, बेकार का। तो शिक्षा बदलनी है, और इस शिक्षा की भाषा भी बदलनी है। अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं, हमको आती नहीं, हम फेल हो जाते हैं, और होना ही चाहिए अंग्रेजी में फेल, क्योंकि वो विदेशी भाषा है। कौन अंग्रेज है जो हिंदी में पास होके दिखा दे, आप बता दो। जब कोई अंग्रेज हिंदी में पास नहीं हो सकता तो हमें अंग्रेजी में फेल होना ही चाहिए, इसमें शर्म की बात क्या है। हमारे देश के बच्चों पर इतना अत्याचार हो रहा है, अंग्रेजी 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 अंग्रेजी, पहली कक्षा से अंग्रेजी, और बच्चा अगर अंग्रेजी में फेल हुआ तो जिंदगी में फेल। गणित में पास है, भौतिकी में पास है, रसायन शास्त्र में पास है, सब विषय में अच्छे नंबर, अंग्रेजी में नहीं आते तो जिंदगी में फेल, वो किसी काम का नहीं। अब कोई अंग्रेज हिंदी में नहीं पास हो सकता, हिंदी से मराठी में पास नहीं हो सकता, हम हमारे बच्चों पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं अंग्रेजी में पास होने का। क्या करेंगे वो अंग्रेजी सीख के? आप कहेंगे जी बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। हमारे देश में तो बड़े वैज्ञानिक बिना अंग्रेजी सीखे भी बन गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने तमिल में पढ़ी है, इतने ऊंचे वैज्ञानिक बन गए। तो आपके बच्चे भी हिंदी में पढ़ के बन सकते हैं। इस देश में जितने उच्चतम वैज्ञानिक है ना, प्रोफेसर MGK मेनन, प्रोफेसर स्वामीनाथन, डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन सबकी 12वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में हुई है। कोई तमिल में पढ़ा, कोई मलयालम में पढ़ा, कोई मराठी में पढ़ा, कोई हिंदी में पढ़ा, और इतने ऊंचे वैज्ञानिक हो गए। तो हमारे बच्चे भी हो सकते, क्या मुश्किल है इसमें। हमारे ऊपर तो भूत सवार है अंग्रेजी का, और इतना भूत सवार है कि दिमाग खराब है सबका, जिसको देखो वो अंग्रेजी के पीछे पागल है। और क्या बोलते हैं, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, है ही नहीं। दुनिया में 200 देश हैं, उनमें सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती। और ये 14 देश वो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब गुलाम देश हैं अंग्रेजों के, इसलिए अंग्रेजी चलती है, गुलामी की भाषा है ये। तो फ्रांस में फ्रेंच चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, रूस में रशियन चलती है, डेनमार्क में डेनिश चलती है। डेनमार्क बिल्कुल छोटा सा देश है, कुछ एक मोहल्ले के बराबर का है। इतने छोटे देश की उनकी भाषा में पढ़ाई कराते हैं, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, सारी पढ़ाई डेनिश में।
तो हम 115 करोड़ की आबादी के लोग अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं पढ़ा सकते? कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है, दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। आपको मालूम है इसका कोई सिर और पैर ही नहीं है, अंग्रेजी का व्याकरण ही नहीं है इसकी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, एक अंग्रेजी शब्द है पीयूटी, क्या बोलते हैं? पुट, तो बीयूटी। बट क्यों बोलते हो? बुट बोलो। अगर बीयूटी बट है, सीयूटी कट है, तो पीयूटी पट क्यों नहीं होना चाहिए, बताइए? और अगर पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट क्यों नहीं होना चाहिए, सीयूटी कुट क्यों नहीं होना चाहिए? कुछ सिर पैर है इसका? मूर्खों की भाषा है। एक और उदाहरण देता हूं, एक शब्द है उसका नाम है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, तो CH यहां पे का है तो केमिस्ट्री है। तो एक दूसरा शब्द है CHOPARA, चोपड़ा, तो यहां कोपड़ा होना चाहिए। जब केमिस्ट्री का केमिस्ट्री हो सकता है तो चोपड़ा का कोपड़ा होना चाहिए। और अगर चोपड़ा को चोपड़ा कह रहे हो तो इधर केमिस्ट्री होनी चाहिए। कुछ और छोर है इस भाषा का? मूर्खों की भाषा। कहीं सी का हो जाता है, कहीं सी सा हो जाता है, कुछ उसका लेन देन ही नहीं, पक्का ही कुछ नहीं। और ऐसी मूर्खता की भाषा के शब्द हैं इसके, बहुत गरीब भाषा है अंग्रेजी, शब्द ही नहीं है उनके पास। उनके पास क्या है? काका हो, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, चाचा हो, कुछ भी हो, सब एक ही है, अंकल। चाची हो, मामी हो, मौसी हो, ताई हो, बुआ हो, फूफी हो, सब एक है, आंटी। अब हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है, चाचा चाचा है, मामा मामा है, मौसा मौसा है, काकी काकी है, ताई ताई है। सब रिश्तों के भारत में अलग शब्द हैं, अंग्रेजी में सब रिश्तों का एक ही शब्द है, अंकल या आंटी, क्योंकि शब्द ही नहीं है। गरीब लोग हैं ये, इनके चक्कर में क्यों फंस गए आप? और कई शब्द तो ऐसे विचित्र हैं जिनका अर्थ अगर आप जान लो तो बोलोगे नहीं जिंदगी में कभी। हमारे देश में तो ऐसा भेड़िया धसान है अंग्रेजी का, जिसको देखो वो अंग्रेज बनने में लगा हुआ है। हिंदुस्तानी तो बन नहीं पाता, अंग्रेज बनने के चक्कर में है सब। अब होता क्या है, ना तो हिंदुस्तानी रह पाते हैं ना अंग्रेज बन पाते हैं, बीच की खिचड़ी हो जाती है उनकी। और ये खिचड़ी लोग कैसे हैं, मैं अक्सर घरों में जाता रहता हूँ खाना खाने, किसी के घर सोने, क्योंकि मैं होटल में खाता नहीं, होटल में सोता नहीं, तो हर बार किसी न किसी के घर में खाना सोना, तो परिचय होता रहता है। तो अक्सर घरों में मैंने देखा है कि माता का नाम गायत्री देवी है, पिताजी का नाम रामदयाल है या राम निवास है या राम विलास है, कुछ भी है, बेटे का नाम टिंकू है। अब पिताजी रामदयाल, माताजी गायत्री देवी, बेटा कहां से आ गया? टिंकू। और जिन्होंने अपने बेटों के नाम टिंकू रखे हुए हैं उनको मैं पूछता हूं, आपको इसका अर्थ मालूम है? टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का, आपका आज्ञाकारी लड़का, उसको टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना दोगे आप। ऐसे मूर्खता के नाम रखते हैं अंग्रेजी में। कई घरों में बच्चों के नाम होते हैं डब्लू, बबलू, लड़कियों के नाम होते हैं डिंपल, ट्विंकल, बेबी, डॉली, कुछ लेना देना नहीं जिन नामों का, कोई अर्थ नहीं जिन नामों के, उनको बच्चों के नाम रख लेते। और कभी कभी ऐसी मूर्खता करते हैं हम सब लोग, कुछ घरों में मैं जाता हूं तो वो अंग्रेजी बोलते हैं रौब झाड़ने के लिए, और पता कुछ है नहीं अंग्रेजी का। हाँ, अक्सर मुझे कहेंगे, किसी के घर में जाऊंगा तो कहेंगे, ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसिज। तो मैं पूछता हूँ, रियली शी इज योर मिसिज? तो उनके समझ में नहीं आती ये बात। फिर मैं उनको समझाता हूँ, तुमको मालूम है मिसिज का अर्थ क्या होता है? तो वो सोचते हैं मिसिज का अर्थ है धर्म पत्नी, ये नहीं होता।
इंग्लैंड में, यूरोप में जो मिसेस शब्द इस्तेमाल होता है ना, ये दूसरे अर्थ में है। मैं आपको इंग्लैंड की एक सच्ची बात बताता हूँ। इंग्लैंड में और यूरोप में एक बड़ी ख़राब बात है, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी बताता हूँ। वहाँ कोई भी पुरुष और कोई भी स्त्री एक से संतुष्ट नहीं होता। एक स्त्री है वो कई पुरुषों के साथ रहेगी, एक पुरुष है वो कई स्त्रियों के साथ रहेगा। अब कई स्त्री और कई पुरुष, कई स्त्री और कई पुरुषों के साथ रहते हैं तो पति पत्नी तो एक ही होते हैं, बाकी जितने लोग होते हैं वो सब मिसेज और मिस्टर होते हैं। मिसेज का अर्थ होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री जिसके साथ बिस्तर में रात आप बिता सकें वो मिसेज होती है, और मिस्टर माने पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ आप रात बिताएं वो मिस्टर होता है। अब यहां पति पत्नी एक दूसरे को मिस्टर एंड मिसेज बनाने में लगे हैं, मूर्खों के मूर्ख पता नहीं कहां से। अपने पास अगर शब्द नहीं है तब तो दूसरों से उधार लो, जब है तो क्यों लेना। हमारे पास एक सुंदर शब्द है श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मती माने बुद्धि। लक्ष्मी और सरस्वती जहां एक साथ हों वो श्रीमती। कितना सुंदर शब्द है और हमने उसको मिसेज बना दिया। सत्यानाश, ये अंग्रेजी की मूर्खता मत करो। और एक तो सबसे खराब शब्द है अंग्रेजी में मैडम। हाँ, बहुत बोलते हैं लोग मैडम मैडम मैडम, अपनी धर्मपत्नी को मैडम बोलते हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं। मैडम का अर्थ जानते हैं? यूरोप में वैश्याएं होती हैं, वैश्या तो आप समझते हैं रंडी। तो जो वैश्याएं होती हैं उन वैश्याओं की जो मुख्य वैश्या होती है, मुख्य संचालिका, उसको मैडम कहते हैं। वहां पे वैश्याओं के वो होते हैं ब्रॉथल्स, माने जिसको कोठे कहते हैं हम, तो वो कोठे चलाने वाली, ब्रॉथल्स चलाने वाली जो मुख्य महिला है वो मैडम है। और यहां अपनी धर्मपत्नी को मैडम बनाने में लगे हुए, दिमाग खराब है क्या? छोड़ो ये अंग्रेजी का, कुछ इसमें रखा नहीं। आप बोलेंगे जी अंग्रेजी अगर नहीं सीखेंगे तो व्यापार कैसे होगा? दुनिया में बहुत सारे देश अंग्रेजी नहीं जानते और खूब व्यापार कर रहे हैं। जापान में कोई अंग्रेजी नहीं जानता, जापान के राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक कोई अंग्रेजी नहीं जानता, सारी दुनिया में जापान का व्यापार चल रहा है। फ्रांस में कोई अंग्रेजी नहीं जानता, सारी दुनिया में उनका व्यापार है। जर्मनी में कोई अंग्रेजी नहीं जानता, सारी दुनिया में उनका व्यापार है, तो हम भी कर लेंगे, क्या मुश्किल है इसमें। और मैंने तो ये तय सोचा है कि जब हम अंग्रेजी नहीं जानेंगे तब अच्छा व्यापार करेंगे, क्योंकि जितने देशों ने अंग्रेजी नहीं सीखी है वही दुनिया में सबसे ऊपर गए हैं। मातृभाषा जब आप सीखते हैं और मातृभाषा में पढ़ते हैं, मातृभाषा में सोचते हैं, मातृभाषा में चिंतन करते हैं, तब दिमाग के सारे दरवाजे खुलते हैं और उसमें से कोई गहराई के विद्वान निकलते हैं और तब वो देश दुनिया में नाम रोशन करते। अभी पता हमारी हालत क्या होती है? हम सोचते विचारते तो मातृभाषा में है और उसका भाषांतर अंग्रेजी में करते हैं। हर समय हमको 6 गुना ज्यादा समय लगता है इसमें। आप अपने घर में एक काम करना, घर के किसी छोटे बच्चे को हिंदी में कुछ सिखाना, एक कहानी सिखाना, कविता सिखाना, 1 घंटे में सीख लेगा, फिर उसी को अंग्रेजी में सिखा के देखना, 6 महीने लग जाएंगे और उसमें भी मारपीट करनी पड़ेगी उसके साथ, ये नहीं आता वो नहीं आता। अब बच्चा बेचारा करे क्या? जो माँ की भाषा है उसे वो सबसे जल्दी सीखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समय माँ के साथ रहता है, और जो माँ की भाषा नहीं है, विदेशी भाषा है, उसको क्यों सीखेगा। तो बच्चों को मार के अंग्रेजी मत सिखाइए, कुछ उसमें दम नहीं। हमारे यहां ऐसी मूर्खता करते हैं लोग, एक दूसरे से मिलेंगे तो कहेंगे गुड मॉर्निंग। मैं कहता हूं क्यों बोल रहे हो भाई गुड मॉर्निंग? इंग्लैंड में लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वहां कोई भी सुबह अच्छी नहीं होती,
सूरज नहीं निकलता, साल में 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता, 8-8 महीने सूरज नहीं निकलता, धुंध धुंध और बर्फ बर्फ यही सब रहता है। फिर किसी दिन गलती से सूरज निकल आया तो वो गुड मॉर्निंग होती है, अच्छी सुबह, क्योंकि सूरज निकल आया। भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, हर सुबह अच्छी है, यहाँ तो रोज सूरज निकलता है, करोड़ों साल से निकल रहा, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा। हम मूर्खों के मूर्ख गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, गुड नाइट, हर रात अच्छी रात है। इंग्लैंड में तो रात को इतनी बर्फ पड़ती है निकल नहीं सकते बाहर, इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारी रात अच्छी हो, बर्फ ना पड़े। यहां तो कोई बर्फ नहीं पड़ती, सब रात अच्छी है। शुभ प्रभात कहिए, अच्छी सुबह कहिए, कहां गुड मॉर्निंग में फंसे आपसे। और कुछ कुछ जगह तो ऐसा विचित्र मुझे देखने को मिलता है, घरों में बच्चों को अंग्रेजी कविताएं सिखाते हैं। हाँ, ये मूर्ख हिंदुस्तानी जो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए, बच्चों को अंग्रेजी कविताएं सिखाते हैं। कभी कभी मैं किसी घर में जाता हूं तो उस घर के मम्मी पप्पा बोलते हैं बच्चों को, देख अंकल आए कविता सुना, तो कविता नहीं पोइम सुना, पोइम, तो बच्चा टेप रिकॉर्डर की तरह से चालू हो जाता है, वो सुनाता है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। अब मैं उस बच्चे को पूछता हूँ तुमको अर्थ मालूम है इसका, नहीं मालूम। किसने सिखाया, मम्मा ने सिखाया, मम्मा को पूछो अर्थ मालूम है, नहीं मालूम। किसने सिखाया, टीचर ने सिखाया, टीचर को पूछो उसको भी नहीं मालूम, उसके टीचर ने सिखाया, अब अर्थ मालूम नहीं है, कविता सीख रहे हैं हमारे बच्चे। अर्थ क्या, अर्थ क्या है, रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहाँ पे मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब छोटा बच्चा ये भगवान से कह रहा है कि बारिश को वापस ले लो, मुझे यहाँ पे खेलना है, बारिश चली जाओ तुम यहाँ मत आओ। अब ये करोड़ों बच्चे रोज बोलें और भगवान ने सुन ली तो बारिश को बुला लिया वापस, तो सूखा पड़ेगा और आप भूखे मरेंगे, मैं भूखा मरूंगा, क्योंकि भारत में 60% खेती का उत्पादन तो बारिश आधारित है, 40% खेत में ही हमारे यहाँ सिंचाई है, बाकी खेत तो बारिश पे जिंदा है, और हम बोल रहे हैं बारिश बारिश तुम चली जाओ यहां मत आओ। ऐसी मूर्खता की कविता बच्चों को सिखा रहे, अकल पे पत्थर पड़ गए हमारे, कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी कभी लगता दिमाग खराब हुआ है क्या हम सबका। ये अंग्रेजी में से निकलो आप, बिल्कुल बेकार है। इस भाषा में इतनी कमजोरी है, मैं एक उदाहरण और देता हूं। अंग्रेजी में एक शब्द है SUN माने सन, और एक शब्द है SON माने सन। एक सुन होना चाहिए, एक सन होना चाहिए, दोनों सन हो गए, अब पता कैसे चलेगा कौन सा सन है। कोई बोले आपको, इमला बोले डिक्टेशन, और उसमें सन आ गया, तो कैसे पता लगाओगे कौन सा SUN या SON, पता ही नहीं लगा सकते। ऐसी मूर्खों की भाषा। और एक उदाहरण देता हूं, SUN जो शब्द है ना, इसका मतलब है सूरज, है ना। दूसरा एक भी शब्द उनके पास नहीं है सूरज के लिए, वो एक ही शब्द है सन। हम अगर संस्कृत में ढूंढे, दिनकर दिवाकर रवि भास्कर मार्तंड 84 शब्द हैं हमारे पास सूरज के लिए, अंग्रेजी में एक ही है। कितनी गरीब भाषा है। चंद्रमा के लिए एक शब्द है उनके पास मून, हमारे पास 56 शब्द हैं चंद्रमा के लिए, संस्कृत में हिंदी में। तो जिस भाषा में इतनी गरीबी है, शब्द उनके पास नहीं है, उसको क्यों सिखा रहे हो अपने बच्चों को। अपनी भाषा सिखाओ ना, संस्कृत सिखाओ, हिंदी सिखाओ, मराठी सिखाओ, कन्नड़ सिखाओ, तेलुगु सिखाओ, तमिल सिखाओ। तो आप बोलेंगे अंग्रेजी तो मजबूरी में सिखाते हैं क्योंकि नौकरी मिलती है। हम तो बहुत जल्दी कानून बदल देने वाले हैं कि अंग्रेजी में नौकरी मिलेगी ही नहीं इस देश में किसी। हम तो कानून बनाने वाले हैं कि जिनको मातृभाषा आती है सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलेगी, और जिनको अंग्रेजी आती है वो लंदन जाएं वहां नौकरी करें, हमारे देश में थोड़ी मिलेगी उनको नौकरी।
तो आप ये नौकरी का तो छोड़ दो, बहुत जल्दी हम ये कानून बदल देंगे इस देश में। ये जो बड़ी नौकरियां हैं ना, आईपीएस की नौकरी, आईसीएस की, इसमें भी हम अंग्रेजी खत्म करने वाले। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम हिंदी में कराएंगे, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराएंगे। तो फायदा पता है क्या होगा, बच्चों के ऊपर जो बोझा है ये खत्म हो जाएगा। इस देश में लाखों करोड़ों बच्चे इसलिए आगे नहीं आ पाते कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, बाकी सब आता है, तो वो बेचारे पीछे हैं, हम उनको आगे लाना चाहते। गरीब आदमी का बच्चा, किसान का, मजदूर का भी इस देश में उच्च पद तक जा सकता है अगर मातृभाषा का कानून इस देश में आ जाए तो। हमारे संविधान में लिखा है, जब संविधान बना था ना 1950 में, तो लिखा था कि 10 साल के अंदर और अधिक से अधिक 15 साल के अंदर सारे देश में मातृभाषा में हर काम होगा। लेकिन ये कानून को चलाने वालों ने, संविधान बनाने वालों ने और उसको मानने वालों ने बेईमानी की और उसको लागू नहीं किया इस देश में। हम करेंगे उसको, मातृभाषा में सब कुछ पढ़ाएंगे। और एक दो बातें मुझे आपसे कहनी है, वो ये कि हम तो ये सब करेंगे, आप भी थोड़ा कुछ करिए। आप क्या करें, आप थोड़े से भारतीय बनिए, स्वदेशी बनिए। हम भी थोड़े अंग्रेज हो गए, शर्ट पहनते हैं जो इस देश की पोशाक नहीं, पैंट पहनते हैं वो बिल्कुल ही पोशाक नहीं इस देश। यहाँ तो धोती है, कुर्ता है, पजामा है, लुंगी है। पैंट यहाँ की पोशाक इसलिए नहीं है कि गर्म देशों में पैंट नहीं पहनी जाती, ये ठंडे देशों की पोशाक है। ठंडे देशों में हवा ठंडी आती है ना, तो पैर एकदम बंद रहना चाहिए, चुस्त, इसलिए पैंट पहनते हैं। यहाँ तो गर्मी बहुत है, इसलिए खुला रहना चाहिए, खुला पजामा, खुली धोती, वो अंग्रेजों की है। शर्ट भी अंग्रेजों की है। और हम तो एक और मूर्खता करते हैं कि शर्ट पैंट तो पहनते, ऊपर से कोट और पहन लेते, भयंकर गर्मी में कोट चढ़ाते और कोट के ऊपर और एक कोट पहन लेते, एक अंदर कोट एक बाहर कोट, 3-piece सूट और ऊपर से टाई लगा के इसको टाइट कर लेते, थोड़ी भी हवा अंदर ना जाए। अब भयंकर गर्मी में 3-piece सूट और टाई लगा के अंदर से पसीना पसीना पसीना, मूर्ख उसको उतार के नहीं फेंकेंगे, कहेंगे एसी चलाओ, कोट उतार के फेंक दो, एसी की जरूरत नहीं। और मुझे कभी कभी ये दृश्य बहुत खराब लगता है देखने में, आपको भी लगता होगा। जून की गर्मी में बहुत शादियां होती है और तापमान 50 डिग्री होता है, उस समय दूल्हे राजा 3-piece सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे रहते, उस दिन वो आदमी सुपर इडियट दिखाई देता दूल्हे राजा, कहां जा रहा है भाई, शादी करने जा रहा है। इसी दिन इतनी मूर्खता करने की क्या जरूरत है, 3-piece सूट और टाई, भयंकर गर्मी में घोड़े पे चढ़ के बैठा है, पसीना पसीना हो रहा है, उतार के नहीं फेंकेगा उसको। अब उस दूल्हे राजा को मैं कहता हूं, भाई अगर तू 3-piece सूट और टाई पहन के जा रहा है तो तेरी पत्नी को स्कर्ट पहना फिर, तब तो बात समझ में आएगी। पति अंग्रेज है तो पत्नी भी तो अंग्रेज होनी चाहिए, स्कर्ट पहन के शादी करवा। अब पत्नी को कहता साड़ी पहन और खुद 3-piece सूट और टाई पहनेगा, क्या मूर्ख है। हमारे यहां कहते हैं पति पत्नी गृहस्थी के गाड़ी के दो पहिए हैं, अब एक पहिया ट्रैक्टर का दूसरा साइकिल का, कैसे चलेगी ये गृहस्थी की गाड़ी। बंद करो ये, क्या रखा है इसमें। हमने अभी तक अंग्रेजों की गुलामी छोड़ी नहीं है, अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की भूषा, अंग्रेजों का भोजन, अंग्रेजों का भजन, अंग्रेजों की वस्तुएं, सब वही हम करते। अंग्रेज भाग गए, बाकी सब यहाँ छोड़ गए, तो इसको भगाना है, अपनी भूषा बदलनी है, अपनी भाषा बदलनी है, अपने भजन भी बदलने हैं, संगीत। आजकल अंग्रेजों के संगीत में नौजवान फंसे हुए हैं, माइकल जैक्सन क्या गाता है समझ में नहीं आता कभी भी, और क्या नाचता है वो भी समझ में नहीं आता, भला किया भगवान ने जो उसको बुला लिया। हाँ, ऐसे ऐसे टांग फेंकता था कि समझ में नहीं आता है एक्सरसाइज कर रहा है कि नाच रहा है, कसरत करना उससे ज्यादा अच्छा है वो जो टांग फेंकता रहता है।
और विचित्र विचित्र गाने जो आपके समझ में नहीं आते, क्यों फालतू दिमाग खराब कर, अपने संगीत में कुछ कमी है क्या, तो क्यों विदेशी संगीत में फंसे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, आप भी आजाद हो जाओ, इस अंग्रेजी गुलामी को छोड़ो, अंग्रेजी भाषा छोड़ो, अंग्रेजी भूषा छोड़ो, अंग्रेजी भोजन, आजकल बहुत अंग्रेजी खाना खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, नाम भी विचित्र है, हॉट डॉग, गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग, ठंडा कुत्ता, वो खा रहे हैं उसको, मूर्खों के मूर्ख लोग। और उसमें कुछ नहीं है, एक पाव रोटी है, डबल रोटी है, काट के बीच में सलाद भर दिया, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग। और ये पाव रोटी डबल रोटी सड़े मैदे से बनती है, अमेरिका और यूरोप वाले इसको इसलिए खाते हैं कि वो रोटी नहीं बना सकते आपकी तरह से। आपके देश में जो गेहूं का आटा है ना, अमेरिका में भी गेहूं का आटा है, यहाँ गेहूं पैदा होता है, उनके यहाँ भी होता है, लेकिन हम गेहूं के आटे से रोटी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, कचौरी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, 20-25 चीज़ें बना सकते हैं, गेहूं के आटे से हलवा बना सकते हैं, शीरा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अमरीकियों को आता ही नहीं है, यूरोप में कोई बना ही नहीं सकता, मालूम ही नहीं, टेक्नोलॉजी उनके पास है ही नहीं। उनके देश की माताएं बहनें कितना भी पढ़ लिख जाएंगी, रोटी बनाना किसी को नहीं आता। और हिंदुस्तान में कोई भी माँ बहन बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी हो, रोटी तो इतनी बढ़िया बना सकती है जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और मैंने तो देख लिया कि भारत अकेला देश है जहां पर गरम गरम रोटी बना के आपको कोई खिलाता है, यूरोप और अमेरिका में तो कोई सपना भी नहीं देख सकता। वहां तो पता है क्या होता है, रोटी है ही नहीं, डबल रोटी है, लाके मेज पे रख देते हैं, काट काट के खा जाओ, और वो 3 महीने पुरानी है, ताजा होती नहीं, और सब्जी बनाना नहीं आता, तो बनी बनाई सब्जी लाते हैं, उसमें नमक छिड़क के उसको खा लेते हैं, डबल रोटी पाव रोटी से, ये उनका भोजन है। आपके पास इतने तरह के भोजन है, वहां तो है ही नहीं, तो भारतीय भोजन करो ना। मैंने एक दिन सोचा कि मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से शुरू करके जिस दिन मरूं, इतने दिन हो गए मेरी जिंदगी में, हर दिन एक नया व्यंजन बना के मैं खा सकता हूं, इतनी विविधता इस देश में है, यूरोप में अमेरिका में है ही नहीं। वो तो इतने गरीब लोग हैं आप सोच नहीं सकते। अमेरिका में दूध जो है ना, किसी को ताजा नहीं मिलता, आपको ताजा ताजा दूध मिल जाता ना रोज का रोज, और मिल नहीं जाता, वो गाय वाला गाय लेके आ जाता है, आपके घर के सामने निकाल के दे जाता है। अमेरिका में तो ये सपने की तरह से है, दूध लेना हो तो पुराना मिलता है, 7 दिन पुराना, 10 दिन पुराना, 15 दिन पुराना, और उसको लेने के लिए 200 मील कार चला के जाना पड़ता है, तब एक डिब्बा एक कैन लेके आते हैं और उसको 7 दिन पीते रहते हैं उसी बासी दूध को। हमारे यहाँ ताजा दूध हमें मिल जाता, ताजी सब्जियां मिलती हैं, अमेरिका में नहीं मिलती किसी को, रोज सुबह की सब्जी सुबह शाम की शाम को ताजा ताजा आती है, अमेरिका में तो सब्जी 15-15 दिन पुरानी होती है। बहुत सुखी हैं हम लोग। अमेरिका में ये सपना किसी को नहीं आ सकता, ये जो घर में आके कोई प्रेस करके चला जाता है ना आपके कपड़ों को, अमेरिका में अगर प्रेस करवाना है तो 50 मील गाड़ी चला के जाना पड़ेगा और कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, और वो 2-5-7 दिन में वापस आएंगे, कोई घर में करके नहीं दे जाता, नौकर नहीं मिलते वहां काम करने को, सब काम अपने आप ही करने पड़ते हैं, और काम करने के लिए फुर्सत भी नहीं है लोगों को, क्योंकि सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक भूत की तरह से काम करना पड़ता, 12 घंटे तब जिंदगी चलती है उनकी, छुट्टी की तो सोच नहीं सकते। हम बहुत सुखी हैं, ये अमरीका और यूरोप में हम फालतू फंस गए, अंग्रेजों की नकल करने में लग गए, ये नकल छोड़ दो, इनकी गुलामी छोड़ दो, अपना देश बहुत अच्छा है, अपनी भाषा अच्छी है, अपना भोजन अच्छा है, अपना भजन अच्छा है, और अपनी दवाएं अपनी भेषज भी अच्छी हैं, ये अंग्रेजी दवाएं खाना छोड़ दो,
पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बैरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, नोवालजिन, एनालजिन, ये सब जहर है। दुनिया के देशों में 20-20 साल से ये दवाएं बंद हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं, हमें पता ही नहीं है। इन दवाओं को खा के कैंसर हो जाता है, आहार नली का कैंसर, आंतड़ियों का कैंसर। इन दवाओं को खाने से एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, इन दवाओं को खाने से विकलांगता आती है, पैरालिसिस हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक। खतरनाक दवाएं मत खाओ। फिर आप बोलोगे कौन सी दवाएं खाएं, अपनी दवा खाओ ना, आयुर्वेद की सस्ती है कीमत में और क्वालिटी में अच्छी। और आयुर्वेद की सब दवाएं तो घर में है, जीरा है, धनिया है, हल्दी है, आपके पास काली मिर्च है, सौंठ है, अदरक है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, शहद है, गाय का घी है, ये सब दवाएं हैं, रसोई में हैं, इनका उपयोग करो। अंग्रेजी दवाएं मत खाओ। और कभी गंभीर बीमारी हो जाए तो आप होम्योपैथी दवाएं ले लो, वो इन अंग्रेजी दवाओं से ज़्यादा अच्छी है, कम से कम उसके साइड इफेक्ट नहीं है इतने। अंग्रेजी दवाएं तो बिल्कुल बंद करो, इससे देश को बहुत फायदा है। 6 लाख करोड़ रुपए साल की हम बचत कर सकते हैं अगर ये अंग्रेजी दवाएं खाना हम बंद कर दें तो। खाली आयुर्वेद की दवाओं से इलाज करें, और आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, और आज से नहीं हजारों साल से है। भगवान श्री राम जब हुए थे ना, तब भी आयुर्वेद ही था, और अब भी आयुर्वेद है, हजारों लाखों साल से। तो आयुर्वेद में बहुत दम है, वरना इतने साल तक कोई चिकित्सा पद्धति चल नहीं सकती। तो अपनी भाषा उसमें बात करो, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपना भजन, अपनी भेषज, और अंत में अपनी वस्तुओं का इस्तेमाल, भारत में बनने वाली जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उन्हीं का प्रयोग करो। विदेशों से आई हुई वस्तुओं का प्रयोग मत करो, विदेशी कंपनियों की वस्तुओं का प्रयोग मत करो। जैसे हमारे देश में इस समय 5000 विदेशी कंपनियों की वस्तुएं बिकती हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फोरहंस, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, ये सब विदेशी हैं। इनको मत खरीदो, क्योंकि इनसे 2,32,000 करोड़ रुपए का नुकसान देश को होता है। आप जो भी विदेशी वस्तु खरीदोगे उसका पैसा विदेश जाएगा। अब भारत का पैसा विदेश नेता लेके जाए स्विस बैंक में, या भारत का पैसा विदेश जाए आपके द्वारा विदेशी वस्तु खरीद के, नुकसान तो दोनों में ही देश को है। इसलिए ये फालतू विदेशी वस्तुएं मत पियो, मत खरीदो। अब लोग मुझे ये कहते हैं कि ये पेप्सी कोका कोला जैसी विदेशी वस्तु हम इसलिए लेते हैं, इसमें क्वालिटी है। उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। एक बार हमने उसकी जांच कराई तो पता चला उसमें जहर है। एंडोसल्फान, मेलाथियान, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस, ऐसे 14 जहर मिलाकर पेप्सी कोला बनता है। और आपको मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, अमेरिका के ये पेप्सी और कोका कोला को भारत के बहुत सारे किसान फसल पे छिड़कते हैं कीड़े मारने के लिए, और कीड़े मर जाते हैं इससे, इतना जहर है इसमें पेप्सी कोक। मत पियो आप उसको। और ये पेप्सी कोक में एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, इसी एसिड से फिनाइल बनता है, हार्पिक बनता है, और फिनाइल और हार्पिक से हम टॉयलेट साफ करते हैं, पेप्सी से भी कर सकते हैं, मैंने करके देखा, बहुत अच्छा साफ करता है। एक बार मैंने एक महीने तक मेरे घर का टॉयलेट साफ नहीं किया था, पेप्सी कोला लाके संडास पे गिराया, पानी से 2 मिनट के बाद धोया, झकाझक सफेद, एकदम साफ। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब इसे हम पी रहे हैं और घर में आने वाले मेहमानों को भी पिला रहे हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिलाते हैं, और कुछ मूर्ख अतिथि ऐसे घर में आते हैं कहते हैं ठंडा लाओ, माने पिलाओ हमको टॉयलेट क्लीनर। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो फालतू चीज पी के, बंद करो इसको, अच्छा नहीं। फिर आप बोलोगे क्या पिए, गन्ने का रस पियो, संतरे का रस पियो, मौसमी का रस पियो, अनार का रस पियो, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, कुछ नहीं मिले तो घड़े का पानी पी लो, पैसे बचेंगे, शरीर भी अच्छा। ऐसे ही विदेशी टूथपेस्ट बंद करो, कॉलगेट, क्लोजअप, दांत साफ करना है नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंज का दातुन, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं।
गली गली गांव गांव मिलता है, हर समय उपलब्ध है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि सब लोग कोलगेट बंद करें क्योंकि बहुत महंगा है। 30 रुपए का 100 ग्राम है कोलगेट, 300 रुपए किलो। गाय का घी 150 रुपए किलो, कोलगेट 300 रुपए किलो। और पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में रगड़ के थूक रहे हैं और 150 रुपए किलो का घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं। सस्ती चीज खा रहे हैं, महंगी चीज थूक रहे हैं और कहते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूं और स्मार्ट बनो। तो पूछते हैं क्या करें, मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का कोलगेट थूकते क्यों हो, रोटी पे लगा लगा के खाओ, क्योंकि गाय के घी से महंगा है। पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे हो, ये कोलगेट क्लोजअप बंद करो। सस्ती चीज है, दातुन करो, दांत अच्छे हैं साफ रहेंगे, नहीं तो दंत मंजन कर लो, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन। अब तो हमारे पतंजलि योगपीठ का भी दंत मंजन है, दिव्य दंत मंजन, वो ही कर लो। पैसे हमारे ट्रस्ट में आएंगे, हम देश का काम कर लेंगे उससे। ऐसे ही आपको निवेदन है कि ये विदेशी टूथपेस्ट के साथ शेविंग क्रीम भी मत खरीदो। पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, रेशमिक, दाढ़ी बनाते ना, ये बंद करो शेविंग क्रीम, फालतू खर्चा। इसकी जगह पे दूध से दाढ़ी बनाओ, थोड़ा दूध ले लो आधा चम्मच, खूब अच्छे से चेहरे पे रगड़ लो, फिर रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है। मैं 15 साल से बनाता हूँ। 4 फायदे हैं। पहला फायदा है कि दूध लगाओ तो चेहरा चिकना हुआ, तो रेजर आसानी से चलता है, तो ब्लेड की लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकल जाती है, गंदगी निकलेगी तो कील मुहासे नहीं होते। तीसरा फायदा, रोज दूध लगाओ तो चेहरा चमकता है और फोकट में स्मार्ट बन जाएंगे आप। कल सवेरे से ही चालू करो दूध से दाढ़ी बना, और दूध ना मिले तो दही से बनाओ, थोड़ी दही ले लो चेहरे पे लगाओ, दाढ़ी बनाओ, बहुत अच्छा। मैंने हिसाब निकाला, सारी शेविंग क्रीम हम बंद कर दें और दूध से दाढ़ी बनाना शुरू करें तो दूध ज्यादा बिकेगा, तो किसानों को उसको मुनाफा मिलेगा, तो गाय बैल भैंस ज्यादा पलेंगे, तो गोबर ज्यादा होगा, तो खेत में गोबर का खाद डलेगा, तो यूरिया DAP बंद हो जाएगा, तो जहर भी हमारे खाने में नहीं आएगा। कितना बड़ा फायदा। और ऐसे ही मेरा निवेदन है, ये साबुन जो लगाते हो ना, लक्स लाइफ बॉय, सब बंद करो। दूध से नहाओ, दूध से दाढ़ी बनाओ, दूध से नहाओ। अपने घरों में बुजुर्गों के पांव छूते हैं तो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं, दूधो नहाओ पूतो फलो, तो मान तो लो उनकी बात, दूधो नहाओ। कभी कोई बुजुर्ग ने ऐसा बोला, लक्स लगाओ पूतों फलो, लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो, वो सब कहते हैं दूधो नहाओ, तो दूध से नहाओ। हम तो हमारे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार आता है तो शंकर जी को दूध से नहलाते हैं कि नहीं। अब शंकर जी नहा सकते हैं तो भक्त क्यों नहीं नहा सकते, आप भी नहाओ। आप बोलोगे दूध महंगा है, बहुत सस्ता है। मैं हिसाब बताता हूँ, 20 रुपए किलो दूध है और 40 रुपए का 100 ग्राम साबुन है डव, 400 रुपए किलो साबुन, 20 रुपए किलो दूध, क्या सस्ता है दूध। और दूध नहाने में बहुत थोड़ा लगता है, 2-3 चम्मच दूध ले लो कच्चा बिना गर्म किया हो, उसको शरीर पे मालिश कर लो और पानी से नहा लो, सारी गंदगी और मैल निकल जाता है। दूध जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है। ये जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं ना 5 स्टार, वहाँ चेहरे की सफाई दूध से करते हैं, 500 रुपए ले लेते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूँ आपको। कल से शुरू करो, दूधों से नहाना, दूध से दाढ़ी बनाना, साबुन बंद। और नहाना है तो मुल्तानी मिट्टी से नहा लो, बेसन से नहा लो, हमारे पतंजलि योगपीठ के कुछ साबुन है उनसे ही नहा लो, ये विदेशी साबुन बंद। और विदेशी क्रीम पाउडर लिपस्टिक भी बंद करो, फेयर एंड लवली बड़ी महंगी है, 25 ग्राम 40 रुपए की, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की, 400 रुपए किलो बादाम, 1600 रुपए किलो फेयर एंड लवली। अब बादाम नहीं खाते, फेयर एंड लवली लगाते हैं, क्या सोचते हैं गोरापन आएगा, कभी नहीं आने वाला। मैंने 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया फेयर एंड लवली, भैंस अभी भी काली की काली। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं जो काले को गोरा बनाए, काला काला है गोरा गोरा। जो फेयर एंड लवली लगी से सब गोरे हो जाते तो अफ्रीका वाले अभी तक काले क्यों हैं? ये तो उल्लू बनाते हैं वो विज्ञापन कर।
मेरा एक दोस्त है, मैं आपको सच बात बताता हूँ, वो मद्रास में रहता है, चिक्कट काला है, अपने घर में तवा है ना रोटी बनाने वाला, उसको उल्टा कर दो इतना काला, और वो बीसियों साल से फेयर एंड लवली लगा रहा, अभी भी गोरा नहीं हुआ। तो उसने फेयर एंड लवली की कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर दिया कि मैं तो गोरा हुआ नहीं। तो कंपनी ने कहा अदालत में कि इसमें गोरा बनाने वाला कोई केमिकल नहीं है, ये तो हम झूठ विज्ञापन करके धंधा करते। अब आप उसमें 1600 रुपए किलो की क्रीम खरीद के फालतू में पैसे बर्बाद करते हैं, बंद करो ये मत खरीद। अब बहुत लोग कहते हैं कि फेयर एंड लवली से सुंदरता आती है, सुंदरता क्रीम से नहीं आती, गुण कर्म और स्वभाव से आती है। आपके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, आप बहुत सुंदर। ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक से कोई सुंदर नहीं होता। तो ये विदेशी चीजों को बंद करो इस्तेमाल करना। कभी भी बाटा के जूते मत खरीदना विदेशी, अपने गांव के मोची से खरीदना। जितना बने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो साल में 232,000 करोड़ हम बचा सकते हैं, और ये पैसा बचाकर देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। यही काम करना है। अब इसमें एक काम हम करेंगे, एक आप करो। हम क्या करेंगे, व्यवस्था बदलना, केंद्र सरकार से लड़ाई करना, झगड़ा करना, कानून बदलना, संविधान बदलना, ये सब हम करेंगे। बाकी का काम आप करो। विदेशी भाषा बोलना बंद, ये आप करो। विदेशी सामान खरीदना बंद, ये आप करो। विदेशी भूषा पहनना बंद, ये आप करो। विदेशी भोजन करना बंद, ये आप करो। तो कुछ आप करो, कुछ हम करें, दोनों मिलकर इस संगठन को सफल बनाएं। अब इस संगठन में आपकी हमें बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं आया। आप बोलेंगे क्या करना है, हमारे इस संगठन के सदस्य बनो। हमें 5 करोड़ लोग इकट्ठे करने हैं पूरे देश से, और ये ताकत जिस दिन हो जाएगी, उस दिन इस देश की हर राजनीतिक पार्टी हमसे डरेगी, और जो हम कहेंगे वही करेगी। तो 5 करोड़ मेंबर चाहिए, 5 करोड़ सदस्य बनाने हैं, उसमें से आप भी बनो, दूसरों को बनाओ। अब इसमें बहुत आसान है, 51 रुपए की सदस्यता है एक, और 1100 की है एक। आप 51 के बन जाओ, चाहे 1100 के बन जाओ। 1100 के सदस्य बनोगे तो हरिद्वार बुला के आपको स्वामी जी खुद ट्रेनिंग देंगे, और 51 के बनोगे तो यहीं पर ट्रेनिंग होगी, हरिद्वार से कोई आएगा। आप जो धन दोगे हमको, वो हमारे ट्रस्ट में जमा होगा, और वो पैसा किसी के व्यक्तिगत काम के लिए नहीं है, देश के काम में लगेगा। और आप हमारे सदस्य हो गए तो हमारी ताकत बढ़ेगी, उस ताकत की दम पर हम सरकार को झुकाएंगे, नेताओं को झुकाएंगे, पार्टियों को झुकाएंगे, और देश का काम कराएंगे। इसलिए आप इसमें जल्दी शामिल हो जाओ तो ये काम जल्दी होगा। आप शामिल नहीं होगे तो भी काम होगा, थोड़ा देर में होगा, बस इतना ही है। लेकिन तब आपको अफसोस होगा, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब भारत स्वाभिमान अभियान चल रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके बच्चे आपको पूछें और आप गर्व से कहें कि हाँ, मैं भी भारत स्वाभिमान का सदस्य था जब ये आंदोलन हुआ था। जैसे आज कई लोग कहते हैं ना, मेरे दादाजी 1942 की लड़ाई में गांधी जी के साथ थे, ये कहते हुए सीना चौड़ा हो जाता है। तो आने वाले समय में आपके बच्चों का सीना चौड़ा हो ये कहते हुए कि मेरे माता पिता भारत स्वाभिमान में थे, ऐसी स्थिति आप इस देश में पैदा करो। आप इसमें शामिल हो जाओ। इसका एक फॉर्म मिलता है, वो आप ले लो, भर के इनको दे दो, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरवा दो दूसरों से, ताकि जल्दी से जल्दी संख्या हमारी हो जाए, और जितने काम मैंने बताए वो सब हम इस देश में कर पाएं। यही कहने के लिए मैं आया था। आपने बड़े ध्यान से सुना, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। इन बातों को दूसरों को सुनाएंगे तो और भी आभारी रहूँगा, और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो सारा देश आपका आभारी रहेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।